दे रहा है। अब मुझे बताइए कहां तक हमने पढ़ लिया था। सर हमने कल की क्लास में सीखा था कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का क्या मतलब होता है, हमने कल की क्लास में इस बात बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको पहला मेथड पढ़ाया कि व्हेन गुड्स सेंट ऑन कैजुअली बेसिस, कैजुअली बेसिस पे गुड्स हमने अप्रूवल पे भेजा। अगर हमने गुड्स कैजुअली बेसिस पे भेजा तो हम उसको क्या मान लेते हैं सर, हम उसको नॉर्मल सेल ट्रीट कर लेते हैं और नॉर्मल सेल ट्रीट करके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। अगर अप्रूवल मिल गया तो ठीक है, और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो सर हम उस सेल्स को वापस कैंसिल कर देते हैं। कल की क्लास में हमने इस बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और अब एक नए टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इसी में एक नई चीज आपको बतानी है, वो क्या है। मान लीजिए आपने गुड्स अप्रूवल पे भेजा, गुड्स सेंट और अप्रूवल आपने किया, आपने किसी को माल भेजा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप में से किसी बच्चे की ज्वेलरी की दुकान है क्या, आप में से किसी बच्चे की ज्वेलरी की, किसी के पापा की ज्वेलरी की शॉप है क्या, किसी की नहीं है, बताओ मुझे। अच्छा ठीक है बेटा, ज्वेलरी की शॉप में एक ऐसा होता है क्या कि मान लो आज 23 तारीख है, ठीक है, आज आप कोई गोल्ड खरीद के लेके आए, हाँ ठीक है, आज आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड की आज की रेट है 31,500, ठीक है, आप आज ये गोल्ड अप्रूवल पे लेके गए और आपने कहा कि मैं इसका अप्रूवल जो है वो 28 तारीख को दूंगा, इसका अप्रूवल 28 तारीख को दूंगा। 23 तारीख को आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कुछ ना कुछ क्या होगा, हेरफेर होगी, हो सकता है गोल्ड की रेट अप चली जाए और अब जो गोल्ड की रेट है वो 34,000 रुपीज हो गई, अब जो गोल्ड की रेट है वो 34,000 रुपीज हो गई। तो गोल्ड की रेट जैसे ही 34,000 रुपीज हुई, मुझे एक बात बताओ गोल्ड की जो रेट है वो जैसे ही 34,000 रुपीज पे पहुंची, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अप्रूवल दिया इस डेट को। तुमने इसको सेल मान लिया था, किस डेट को सेल माना था बोलो, तुमने इसे सेल कब माना था। सर हमने इसे सेल माना था 23 तारीख को, और कितने से सेल माना, 31,500 से। लेकिन अप्रूवल कब मिला, अप्रूवल मिला सर 28 तारीख को, और 28 तारीख को गोल्ड की रेट कितनी हो गई, 34,000। इसका मतलब आपने सेल की एंट्री कर तो रखी है, लेकिन थोड़ी कम प्राइस से कर रखी है। सेल की एंट्री तुमने कर रखी है लेकिन थोड़ी कम प्राइस से कर रखी है, तो हम क्या करेंगे सर, अब हम सेल की एंट्री कर देंगे, कितने रुपए से और कर देंगे, 2500 रुपीज से। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो आगरा भाई। हमने कहा 28 तारीख को जो रेट होगी वो डिसाइडेड रेट मानी जाएगी, उस दिन जो रेट होगी उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन रेट कितनी है सर, 34,000 है। इसका मतलब हमने तो एंट्री 31,500 से करी थी। अच्छा दो बार एंट्री करनी है प्रयागराज, मतलब उस डेट को जब अप्रूवल मिलेगा उस दिन आपको सेल की एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन 31,500 से हो चुकी है, आपको ओनली कितने रुपए से एंट्री करनी पड़ेगी, 2500 रुपीज से। क्लियर है क्या प्रयागराज, बठिंडा, बरेली, हापुर, बोलो आगरा, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई।
अच्छा एक बात का जवाब देना, एक बात का जवाब देना, वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, अगर यही एंट्री, सुना बात ध्यान से, अगर यही एंट्री कल को गोल्ड की रेट कम हो जाए, डाउन हो जाए, ठीक है, गलती से भी अगर मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाए, वैसे आएगी नहीं, लेकिन कल को गलती से कांग्रेस की सरकार आ जाए और राहुल गांधी आलू से सोना बना दे, तो ऐसे में गोल्ड की रेट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी ना। मैं सिर्फ सपनों की बात कर रहा हूं, ऐसा हकीकत में नहीं होगा, ना कांग्रेस आएगी ना आलू से सोना बनेगा, लेकिन अगर मान लो बन जाए तो ऐसे में गोल्ड की रेट जो है वो 30,000 रुपए हो गई, तो 1,500 रुपए से कम हो गई वैल्यू। हाँ, तो हम क्या करेंगे, तो लेस अमाउंट करके उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, बोलो, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो इसकी अपन एंट्री करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन करने को दिया था, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। देखो, कैली कंपनी सेंड आउट इट्स गैस कंटेनर टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस पे हमने गुड्स भेजा है। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। डाउन होगा तो पटना रिवर्स एंट्री। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल एंड आर पास थ्रू द डे बुक एंड आर पास थ्रू द डे बुक, और उसको डे बुक में पास कर दिया जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन लिखी हुई आ गई, एक बात बताओ, ये लाइन लिखी हुई आ गई, ओके, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल का मतलब कौन सा बेसिस हो गया सर? कैजुअली बेसिस हो गया। एक्चुअल सेल का मतलब कौन सा बेसिस हो गया? कैजुअली बेसिस। एंड आर पास थ्रू द डे बुक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 गैस कंटेनर विच कॉस्ट देम 900 ईच हैव बीन सेंड टू द डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट रुपीज 1200। 900 रुपए का माल हमने उसको 1200 में भेजा, 900 रुपए हमारी कॉस्टिंग है, हमने उसको 1200 में भेजा है। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड। आपने उसको 100 भेजे, उसमें से 20 गैस कंटेनर ही बिक पाए, और वो किस रेट में बिके? 1500 की रेट में बिके। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको नेसेसरी एंट्रीज बनानी है, ठीक है, करें इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। सर सबसे पहले यहां पे गुड्स आपने अगर अप्रूवल पे भेजा तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? जब भी आपने माल भेजा यहां पे आप डेटर्स अकाउंट भी डीआर कर सकते हो, आप कस्टमर अकाउंट भी डीआर कर सकते हो। डेटर्स अकाउंट डीआर टू, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स। 100 कंटेनर है, एक 1200 रुपए में भेजा, ठीक है, हां इसकी बेसिक एंट्री। 100 कंटेनर है, एक 1200 में भेजा, कितने रुपए की एंट्री बन गई सर? 1,20,000 रुपए की सेल हो गई। हाँ एकदम सही है, 1,20,000 की सेल हुई। हाँ वेंडर भी डीआर कर सकते हैं किसी को भेजा है। डेटर्स क्या होता है प्रयागराज? देखो प्रयागराज, डेटर्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने किसी इंसान को उधार माल भेजा, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं प्रयागराज, उन सारे बच्चों को हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं क्या? क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं उन सारे बच्चों को एक साथ क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं ना। वैसे ही बहुत सारे लोगों को जिनको हमारे कस्टमर को माल उधार बेचते हैं तो बेटा उन्हें डेटर्स कहा जाता है, ठीक है। जिसको अपन ने उधार माल बेचा है और जिससे हमें अब पैसे लेने हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डेटर्स कहा जाता है, समझे इस बात को भाई। जिनको हमने उधार माल भेजा है उनसे जब हमें पैसे मिलेंगे
उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1,20,000 की एंट्री बन गई। अब क्या होगा सुनना ध्यान से, पहले तो डेट देते हैं इसमें, डेट क्या दे रखी है, फाइनेंशियल एंड करने से पहले कोई डेट नहीं बता रखी, ठीक है कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, 20 कंटेनर का अप्रूवल मिला, तो 20 कंटेनर्स का अप्रूवल मिला तो 20 कंटेनर्स की आप और एंट्री बनाओ, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स, सर 20 कंटेनर 300 रुपए से और एंट्री बनेगी। क्यों 300 से क्यों बनेगी, क्योंकि सर 1200 से तो पहले बन चुकी है, तो भी 20 × 300 6000 की एक्स्ट्रा एंट्री बना दी, राइट। अच्छा अब 80 कंटेनर का कोई अप्रूवल नहीं मिला, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रूवल नहीं मिला और अप्रूवल टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, वरना तो उसको बोल देता वो कि उसको सेल मान लो। पटना बेटा डेटर्स को ही तो डीआर करूंगा और किसको करूंगा, डेटर्स को ही तो डीआर करूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा एंट्री बनानी है ना 20 डेटर्स की। अब देखो अब क्या हुआ, मैंने बाकी 80 कंटेनर को कैंसिल करना है, करो कैंसिल, क्या एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट डीआर टू डेटर्स अकाउंट। 80 कंटेनर की एंट्री बनी थी 1200 रुपए से, तो 80 कंटेनर की रिवर्स एंट्री कर दो, 80 × 1200 96,000, ये लीजिए ये मैंने रिवर्स एंट्री कर दी। अभी जो 80 कंटेनर है वो मेरा स्टॉक तो है, इसे मेरे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए, तो एक एंट्री और बन जाएगी, क्या बनेगी बोलो, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग, और कितने रुपए से सर, 80 कंटेनर और एक कॉस्ट प्राइस तो उसकी 900 रुपए है, भगवान इसका भला करे, इसके 20-20 बच्चे हो जो बुढ़ापे में इसकी सेवा करे, इसने हमें यह बता दिया कि 80 × 900 72,000 रुपीज जो है, 72,000 रुपीज जो है वो हमारा स्टॉक है, इसकी हमने स्टॉक की एंट्री कर ली। सारे बच्चे फटाफट इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, इसका आगे वाला क्वेश्चन करेंगे और आज अगला मेथड भी पढ़ेंगे अपन। लक्ष्मीनगर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन करवाया है, नोट कीजिए,
डन, नोट हो गया, डन, आगे बढ़े। लक्ष्मण का स्ट्रोक वापिस कहां पर आया है? ये स्ट्रोक वापस आने की एंट्री बनी है, लेकिन बेटा वो तो स्ट्रोक विद कस्टमर ही पड़ा है ना अभी भी मेरे पास। आप ये समझो बेटा, अभी वो स्टॉक मेरे पास नहीं है, अभी भी वो स्टॉक किसके पास पड़ा है? कस्टमर के पास ही पड़ा है, समझे? वो स्टॉक विद कस्टमर ही पड़ा है, इसलिए मैंने उसको अपने स्टॉक में इंक्लूड करना जरूरी समझा। ये तो सेल को रिवर्स करने की एंट्री बनाई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैंने आपको करने को दिया था, आप लोगों ने होमवर्क किया भाई? सारे बच्चों ने होमवर्क किया क्या, मुझे बताइए? क्या सारे बच्चों ने होमवर्क किया, हाँ या ना? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी होमवर्क नहीं किया? सबने किया, वेरी गुड। अभी आप लोगों के होमवर्क को, हाँ प्रयागराज तुमने भेज दिया था, होमवर्क को चेक करने का भी एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम। जल्दी से होमवर्क करने की आदत डाल लो, महंगा पड़ सकता है अगर किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो बाद में उन्हें। देखो क्या है, ई लिमिटेड सेंट आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। ई लिमिटेड सेंट आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग ₹200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक की कॉस्टिंग ₹200 है। All such transactions are, however, treated like actual sale. सारे ट्रांजेक्शन को क्या माना जाता है? एक्चुअल सेल माना जाता है। इसका मतलब इसने ये बता दिया कि हम कैजुअली बेसिस की बात कर रहे हैं। यहां पे हमें यह समझ में आ गया कि बात कैजुअली बेसिस पर हो रही है। एंड आर पास थ्रू द डे बुक, और डे बुक में पास कर दिया जाता है जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले। On December 24, 2016, 300 such accounting machine were sent out an invoice price of 280. ठीक है, मतलब costing 200 है, invoice price 280 है, मतलब हमने ₹200 वाले माल को 280 में उसको भेजा है। Out of which 300 में से, out of which only 90 accounting machine are accepted by the customer। ये लो, अब 300 में से केवल और केवल 90 मशीन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और रेट हो गए 250। मतलब जब तुमने भेजी तब तुमने 280 से एंट्री बनाई, लेकिन अब रेट हो गए 250, इट मींस आपको ₹30 से सेल्स की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा आगे वो क्या बोल रहे हैं, एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थ कमिंग। अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, और जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आए, टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, इसका मतलब आप उसे सेल नहीं मान सकते हो। शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको ईयर एंडेड पे क्या करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो आपको उन एंट्रीज को कैंसिल करना पड़ेगा जिनका अप्रूवल नहीं मिला। चलिए क्वेश्चन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल हो, पहली एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एंट्री, आपने माल अप्रूवल पे भेजा, कोई डेट है क्या? सर डेट बता रखी है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को आपने गुड्स अप्रूवल पे भेजा, तो आप भी लिख दो 24 दिसंबर, गुड सेंट ऑन अप्रूवल है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी नाम है कस्टमर का, कस्टमर का नाम नहीं है, ठीक है सर, तो हम क्या लिख देंगे, कस्टमर अकाउंट डीआर कर दो, डेटर्स अकाउंट डीआर कर दो, ट्रेड रिसीवेबल भी इन्हीं का दूसरा नाम है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डीआर कर दो टू सेल्स। और कितने रुपए से एंट्री बनाएंगे, हाँ भाई ये दिखाई दे रहा है ना सबको, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स, एंट्री कितने से बनाएंगे बोलिए। सर 300 मशीनें और एक ₹280 में भेजी, तो 300 मशीनें और एक 300 × 280 84,000, राइट? उसमें से 90 मशीन का हमें अप्रूवल मिल गया, तो 90 मशीन की सेल की एंट्री बन गई, लेकिन अप्रूवल 250 में मिला, तो सर ₹30 को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डीआर टू कस्टमर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डीआर टू कस्टमर अकाउंट, और कितने रुपए से? सर 90 मशीन और ₹30 से 2700 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो सेल कम हो गई, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद में 31 दिसंबर को सर हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को सर बाकी जो 210 मशीनें हैं, बाकी जो 210 मशीनें हैं 90 के अलावा, उनका सर हमें कोई अप्रूवल नहीं मिला है, तो 300 में से बाकी जो 210 मशीनें हैं उनका भी कोई समाधान करना पड़ेगा। करते हैं चलिए समाधान, सुनिएगा, हम एंट्री कर देते हैं सर, अभी वो सेल्स में इंक्लूड नहीं हो सकती तो उसे कैंसिल कर दो, सेल्स अकाउंट डीआर टू कस्टमर अकाउंट कैंसिल कर दो, कितने रुपए से 210 इंटू 280 58,800 एंट्री बना दी सर हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से, लास्ट डेट को सर वो हमारा स्टॉक होना चाहिए, हमें इसे हमारे स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट कितने रुपए से सर 210 मशीनें और एक की कॉस्टिंग कितनी है सर, एक की कॉस्टिंग 200 रुपए है इंटू 200 सर 42,000 रुपीज का स्टॉक हो गया, राइट हाँ 200 की प्राइस पे करेंगे, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट हो गया, ये कैसे आया 210 इंटू 200 आया, ये कैसे आया 210 इंटू 280 280 से इंटू किया गया, हाँ 200 क्यों पटना, अरे नालायक पटना स्टॉक को जो है वो कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, देख बेटा पटना स्टॉक की कितनी प्राइस दे रखी है, 200 ही तो दे रखी है, समझ गए, स्टॉक की प्राइस ही 200 दे रखी है तो 200 से ही एंट्री करेंगे ना, राइट, सारे बच्चे नोट कीजिए फटाफट, सारे बच्चे नोट कीजिए, नहीं प्रयागराज बेटा मैं सिर्फ सॉल्यूशंस का पीडीएफ भेजूंगा आपको, आपको सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल के सॉल्यूशन चाहिए तो उसका पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं, आप लोगों के पास आपकी बुक ही पहुंच जाएगी, मेरे पास चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं है, अभी मुझे बनाने पड़ेंगे पूरे सॉल्यूशन वाइज पीडीएफ नहीं है, मुझे बनाने पड़ेंगे, आप लोगों तक जो है बुक पहुंच जाएगी तब आप बुक में से एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, हाँ ठीक है प्रयागराज मैं दिखा देता हूं अभी, हाँ ये क्वेश्चन हो गया क्या कंप्लीट, आगे बढ़ जाऊं मैं, आपने नोट कर लिया क्या, कितना समय लगाते हो तुम लोग, इतने में मैं 7 बार नोट कर लूं,
ऑडियो का इश्यू है। हाँ प्रयागराज, अब ठीक है, अब ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, सबने नोट कर लिया। धन्यवाद, हो क्या तुम इसी दुनिया में हो? मुझे तो लगा तुम हो ही नहीं। चलिए, हमने पहला मेथड कंप्लीट कर लिया, पहले मेथड के हमने देखो क्वेश्चंस भी कर लिए। आप लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन मैंने करने को दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको करने को भी दिया था, आपने होमवर्क में भी किया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए प्रयागराज, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको देखना है, ये लीजिए, देखिए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पिछले क्वेश्चन के तीनों प्राइजेस समझ नहीं आया पटना बेटा, क्या नहीं आया मैं बता देता हूं। 200 रुपए वाले माल को उसने पहले 280 में भेजा, आज जैसे गोल्ड की रेट बढ़ी हुई थी वैसे पहले मशीन की रेट 280 रुपए थी, लेकिन पटना बाई चांस हुआ क्या कि जिस दिन अप्रूवल मिला उस दिन मशीन की रेट गोल्ड की रेट की तरह कम हो गई और वो रेट 250 रह गई। तो इसका मतलब तुमने 30 रुपए से सेल की एंट्री ज्यादा बना रखी है, तो पहले तो तुमने उसकी 30 रुपए की सेल की कैंसिल की एंट्री बना दी उन गुड्स की जो वास्तव में सेल हो चुका है। फिर तुमने क्या किया, उनको कैंसिल किया जो सेल नहीं हुआ। फिर तुमने क्या किया, फिर जो कैंसिल कर दिया वो तुम्हारा स्टॉक बन गया, तो इसको तुमने फिर स्टॉक में इंक्लूड कर लिया। तीन काम किए हमने बस, और कुछ नहीं किया, समझे? डन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं, सुनना ध्यान से। देखो भाई, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में पहला था दिल जले आशिक। 100 में से 100 के 100 ऐसे होते हैं जो एक ही बार में कपड़े पसंद कर लेते हैं। लेकिन दूसरा मैंने आपको बताया था जानू बेबी सोना वाले, 70 में से 30 ऐसे होते हैं, हां दोनों सेलिंग प्राइस थे पटना, 70 में से 30 ऐसे होते हैं कि जो बेबी की बात सुनकर के ही कपड़े पहनते हैं। अगर बेबी ने पसंद किया तो ठीक है, वरना हो सकता है वो रिटर्न का भी सिचुएशन बन जाए। तो जहां पे फ्रीक्वेंटली बेसिस पे 100 में से 30 लोग ऐसे होते हैं जो माल अप्रूवल पे लेके जाते हैं और वापस रिटर्न भी कर देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, 100 लोग हैं, ध्यान से समझना इस बात को, 100 लोग हैं और 100 में से मुझे पता है कि 30 लोग रिटर्न करके जाएंगे, मतलब 70% जो है, 70 लोग जो है वो क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे। अब अगर मान लो कि मैं 100 के 100 लोगों की सेल की एंट्री करूं, सुनना बात ध्यान से, तो पहले तो मैं 100 एंट्री बनाऊं सेल की, 100 लोग माल अप्रूवल पे लेके जा रहे हैं ना, वहां पे क्या था, खाली 2 लोग रिटर्न करते थे, यहां पे संख्या आदमी है, 100 में से जो है वो मोस्टली लोग रिटर्न की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, 100 लोग थे उसमें से 70 लोग जो है वो माल एक्सेप्ट करेंगे, 30 लोग जो है वो रिटर्न करेंगे। तो पहले 100 पीपल की मैं एंट्री करूं माल बेचने की, तो 100 एंट्री तो ये बन गई, ठीक है। उसके बाद में 30 लोग जो है वो माल रिटर्न करेंगे, तो उनकी मैं रिटर्न की एंट्री बनाऊं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन शॉर्ट क्या हुआ, मुझे 130 एंट्री बनानी पड़ी, ठीक है। लेकिन इसकी जगह मैं एक काम करूं भाई, 70 लोग जो है वो तो सेल माल लेके गए, उनकी तो एंट्री सेल की बननी ही बननी है। ये जो 30 लोग जो अप्रूवल वाले ना, जो डावाडोल है, जो लेके जा भी सकते हैं और ना भी लेके जाए रिटर्न भी कर सकते हैं, उनकी आप 30 एंट्री अब बनाओगे, फिर 30 रिटर्न की बनानी पड़ सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 30 में से 15 ने रिटर्न कर दिया हो, तो 15 की एंट्री बनानी पड़ेगी रिटर्न की, मतलब टोटल मिला के या तो 60 या 45 एंट्री बनानी पड़ेगी। भैया ये काम मत करो ना, आप एक काम करो, इन 30 लोगों की अभी कोई एंट्री ही मत बनाओ। मान लो इसमें से 10 लोगों ने माल हमें अप्रूवल पे एक्सेप्ट कर लिया, तो 70 की तो ये बना लेना और 10 की जो जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनकी बना लेना, आपका फालतू में अननेसेसरी वर्क नहीं बढ़ेगा। वरना 30 तो पहले सेल की, फिर 20 उनके रिटर्न की। भैया 50 एंट्री बनाना सही है कि खाली 10 एंट्री बनाना सही है, बोलो जवाब दो मुझे। आपको 50 एंट्री बनाना सही है कि खाली 10 एंट्री बनाना सही है? या तो सर समस्या है ना, पहले 30 की सेल की बनाए, फिर उसमें से 20 रिटर्न देके जाएंगे तो उनकी बनाए,
सर ओनली 10 की ना, तो वेरी गुड, यही होता है. लिखो आप, व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन फ्रीक्वेंटली बेसिस. हाँ बिल्कुल उन्हीं की बनाते हैं. लिखो व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, देन इट इज necessary to maintain, it is necessary to maintain sale or return day book. हम क्या करते हैं, पहले एक sale और return day book बना लेते हैं. There are four columns इन दिस बुक. इस बुक में चार कॉलम होते हैं. देर आर फोर कॉलम इन दिस बुक. इस बुक में चार कॉलम होते हैं. कौन कौन से कॉलम होते हैं, सुनना ध्यान से. सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. भैया मैंने 1.5 लाख रुपए का माल अप्रूवल पे भेजा. गुड्स अप्रूव्ड, मान लो 30,000 का गुड्स अप्रूव्ड हो गया. गुड्स रिटर्न, मान लो 40,000 का गुड्स रिटर्न हो गया. तो बताओ कस्टमर के पास कितना माल बचा, 80,000 का. डे बुक का मतलब होता है पटना, जैसे जर्नल बनाते हैं वैसे एक डे बुक बनाते हैं, जब स्पेसिफिक उस पर्पस के लिए कोई बुक बना ली जाती है, सब्सिडरी बुक को बोलते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने वो एंट्री ना करके ये जो 1.5 लाख रुपए का माल है जो 30 कस्टमर को मैंने भेजा है, मैंने ये काम कर लिया, अगर मैंने ये काम कर लिया तो एक बात बताइए आप, 1.5 लाख का माल भेजा मैंने, 30,000 का अप्रूव्ड हुआ, क्यों तो मैं फालतू में पहले 1.5 की एंट्री बनाऊं. बोलो बात समझ में आ रही है क्या, क्यों मैं 40 के रिटर्न की एंट्री बनाऊं, क्यों मैं उसको जो ओके है उसको वैसा का वैसा रहने दूं और उसमें कम ज्यादा भी करूं. नहीं जनरल नहीं बनेगी बटिंडा, क्यों मैं उसको कम ज्यादा करूं. सबसे बढ़िया काम है ना सर, आप ये एंट्री बनाओ ही मत, आप तो डायरेक्टली ये डे बुक बना लो और इसमें से देख करके लास्ट में आप खाली 30,000 की एंट्री बना के छोड़ देना. बाकी ना तो सर रिटर्न की एंट्री बनाने की जरूरत है और ना ही आपको गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पे एंट्री बनाने की जरूरत है. बस एक तो आप जो गुड्स अप्रूव्ड हो गया उसकी एंट्री बना देना, और दूसरा सर लास्ट में ये जो बैलेंस स्टॉक है सर वो तो आपका है ना, ये तो आप ही का है, तो आपको एक इसकी एंट्री बना देनी है स्टॉक विद कस्टमर की, और कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है. बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या यहां तक. जब बिजनेस में 30 लोगों को माल अप्रूवल पे भेजा जा रहा है तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक आदमी का हिसाब मेंटेन रखूं, हर एक हिसाब आदमी के हिसाब को ध्यान में रखूं. तो बढ़िया है ना भैया, एक काम करो, आप एंट्री बनाओ ही मत, आप तो सेल और रिटर्न डे बुक बना लो, सारा हिसाब वहां रख लो, उसमें से लास्ट में आपको जरूरत पड़े ना तो खाली 30,000 की करो एंट्री बना दो, बाकी की एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है. बठिंडा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, आप एक बार बस इसे नोट कर लीजिए, लिखिए आप इसके बारे में. In this case, the following entries are passed. इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे, पहला when approval received, जब तुम्हें अप्रूवल मिलेगा तो तुम एंट्री बना दो अप्रूवल रिसीव्ड की. कस्टमर अकाउंट DR, कस्टमर अकाउंट DR, टू सेल्स अकाउंट, और कितने से सर जो 30,000 का माल अप्रूव्ड हुआ उसकी एंट्री बना देंगे. और सर अब जो रिटर्न आया उसकी भी नहीं बनाएंगे, सर जो हमने अप्रूवल पे भेजा उसकी भी नहीं बनाएंगे, सर जो भेजा उसको कैंसिल करने की एंट्री भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर जो स्टॉक विद कस्टमर पड़ा है
वो तो सर आप ही का है, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और कितने रुपए से? 80,000 रुपए है। लेकिन अगर मान लीजिए सर 20% प्रॉफिट हो, तो मैंने 20% एज्यूम किया है, तो 80,000 का 20% माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 80,000 का 20% तो स्टॉक खाली 64,000 का दिखाया जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? भेजे उसका भी एंट्री नहीं पटना। अरे भैया मैंने यहां हिसाब रख लिया ना कि कितना भेजे, 1.5 लाख भेजे, उसमें से 30 का अप्रूव हो गया तो उसकी सेल की एंट्री बना दो, 40 रिटर्न आ गया तो उसकी भी कैंसिल की एंट्री बना दो, सॉरी 40 रिटर्न आ गया उससे कोई मतलब नहीं है, जब भेजने की एंट्री नहीं बनी तो रिटर्न की भी एंट्री मत बनाओ, और 80 जो बैलेंस रह गया, जो 80,000 आपका बैलेंस रह गया, उस बैलेंस के लिए आपको स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री पास कर देनी है, बाकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है हमें। बोलो समझे क्या? बोलो हाँ या ना। सारे बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी भाई, नोट कर लिया? सबने नोट किया? अरे बटिंडा, हाँ मतलब कि 4 कॉलम वाला डे बुक बनाना है। बिलासपुर डन, एक 20 में से क्यों माइनस किया है? कहां किया? मैंने तो 1.5 में से माइनस किया ना, 1.5 लाख में से 40,000 का रिटर्न आ गया, 30 का अप्रूव हो गया, तो बाकी 80 का स्टॉक बचा। अच्छा वो क्या, एक सेंटर कह रहा है सर ये 20% कहां से आया? अरे नालायक, मैंने एज्यूम किया है कि प्रॉफिट की रेट जो है वो 20% है, वो कुछ भी हो सकती है। कल बताया था ना, सिंघम या चंटू बंटू दोनों में से कोई सा भी केस आ सकता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या बता रखा है, ए फर्म सेंड आउट गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फर्म ने जो गुड्स है वो सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा। कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन ए मंथ, एक महीने में कस्टमर माल रिटर्न भी कर सकता है। ड्यूरिंग मे 2016 द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड।
गुड्स एंड की जो डिटेल्स है वो इस तरह से बता रखी है। देखो क्या डिटेल है, सबसे पहले 2 मई को पी नाम के कस्टमर ने माल अप्रूवल पे भेजा, 8 मई को बी नाम के कस्टमर ने माल अप्रूवल पे भेजा, 12 मई को क्यू नाम के कस्टमर को माल अप्रूवल पे भेजा, 18 मई को 3,000 रुपए का माल डी नाम के कस्टमर को अप्रूवल पे भेजा, ऐसे ही ई को और ऐसे ही आर को। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम पीरियड 1 महीने का था, पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, पी और क्यू ने गुड्स रिटर्न कर दिया, एंड बी डी एंड ई सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, और उन दोनों ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि गुड्स जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर पी फॉर द सेल और रिटर्न अकाउंट ऑन 15 जून। सेल और रिटर्न का अकाउंट बनाना है। देखो सुनना बात ध्यान से, आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, पहली बात तो यह कंफर्म है यहां पे कि यहां पे सेल और रिटर्न डे बुक बनाए, तो क्या मैं सबकी एंट्री बनाऊंगा? पहले एंट्री सीखते, अकाउंट बाद में सीखेंगे। क्या मैं सबकी एंट्री बनाऊंगा? ना तो सर हम इस पी की भेजने की एंट्री बनाएंगे, ना क्यू की, ना बी की, ना डी की, ना ई की, ना आर की, किसी की भी माल भेजने की एंट्री नहीं बनाएंगे। तो सर फिर हम उनके रिटर्न की एंट्री भी नहीं बनाएंगे, उसके बाद सर हम उनके रिटर्न की एंट्री भी नहीं बनाएंगे, हम खाली क्या करेंगे? सर हम उन लोगों की एंट्री बनाएंगे जिन्होंने माल को एक्सेप्ट किया, बी डी और ई, इन 3 लोगों ने माल को एक्सेप्ट कर लिया, तो बी डी और ई की एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी सुनना ध्यान से, अगर माल को एक्सेप्ट किया तो एंट्री बनेगी कस्टमर, अब कस्टमर का नाम तुम्हें पता है किस किस ने एक्सेप्ट किया, बी डी एंड ई, तो बी अकाउंट डीआर, डी अकाउंट डीआर और ई अकाउंट डीआर, 2 सेल्स। बोलो बात समझ में आई क्या? किस डेट को? डेट बता रखी है, टाइम पीरियड नहीं दे रखा, मैं लास्ट मई मान लेता हूं, 31 मई को बी डी एंड ई ने कितना माल एक्सेप्ट किया, बी का 20,000, डी का 3,000 और ई का 1,000, 24,000, तो बी का 20,000 और 1,000, 24,000 की एंट्री बना देंगे। अच्छा, जो माल रिटर्न आया, रिटर्न किसने किया? एक तो सर पी ने किया, हम नहीं बनाएंगे। सर एक किसने किया? क्यू ने किया, सर हम नहीं बनाएंगे। अच्छा लेकिन सर एक बात देखिए, आर का जो माल है ना तो रिटर्न आया है और ना ही अप्रूव्ड हुआ, तो सर जो आर का माल है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? उसे हमने सर स्टॉक की एंट्री बनानी पड़ेगी। आपने इस क्वेश्चन में सर हमें यह नहीं बताया कि प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है ये नहीं बता रखा। ठीक है कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं है, हम एक बार समझने के लिए खाली एक एंट्री बना के छोड़ देते हैं, प्रॉफिट की एंट्री स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर, 2 ट्रेडिंग, 27,000 लेस प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आए क्या? बोलो नहीं भटिंडा, डेट के अकॉर्डिंग सेपरेट नहीं बनाएंगे बेटा, वो तो हमने भेजा है, अप्रूवल की डेट तो 31 मई है ना, तो अप्रूवल तो 31 मई को मिला होगा। सेल का रिवर्स एंट्री क्यों क्यों करेंगे सेल का रिवर्स? बेटा वो फर्स्ट मेथड में करते हैं लक्ष्मी नगर, यहां पे मैंने अप्रूवल पे माल भेजा, मैंने माल अप्रूवल पे भेजा और मैंने उसको मेरी असली बुक में लिखा ही नहीं, मैंने एक अलग से एक रफ बुक बना ली, सेल और रिटर्न डे बुक, उसमें मैंने चारों का हिसाब रख लिया, किसको कितना कितना माल भेजा, उसमें से अब जिस जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसको तो वास्तविकता में रियल एंट्री में बुक में चढ़ा दिया मैंने, एंट्री कर दी और बाकी सबको छोड़ दिया, ना भेजने का हिसाब रखा ना रिटर्न आने का हिसाब रखा। लेकिन सर जो स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है उसका तो हमें हिसाब रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या? बोलो प्रयागराज बठिंडा ओके, लक्ष्मीनगर क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ वेरी गुड, आप देखिएगा सुनिए ध्यान से,
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है आपका। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ऑन 31 दिसंबर 2016 गुड्स सोल्ड, नोट नहीं किया? अरे प्रयागराज कितना समय लगाते हो तुम, इतने में 7 बार नोट कर लूं, तुमसे 1 बार नहीं होता, करते क्या रहते हो तुम, जल्दी जल्दी नोट करो। पटना क्या कह रहे हैं? नहीं, स्टॉक विद कस्टमर 26 नहीं कर सकते, 26,000 है ना वो। अच्छा $26,000 लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं गिवन है। डन डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क सुन लीजिए सारे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आगरा अपन अकाउंट भी सीखेंगे, रुक जाओ तुम, तसल्ली रख लो। अकाउंट में लेजर पोस्टिंग नहीं करनी आती तुम्हें इसकी, इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं करनी आती। बी अकाउंट के अंदर 2 सेल्स, डी अकाउंट के अंदर 2 सेल्स, ई अकाउंट के अंदर 2 सेल्स नहीं आती। अकाउंट भी तो पूछा है इसमें, तसल्ली रखा करो। ऑन 31 दिसंबर 2016 गुड सोल्ड एट सेल प्राइस ऑफ 3,000 वर लाइंग विद कस्टमर, 3,000 के सेलिंग प्राइस का माल जो है वो कस्टमर के पास पड़ा है। रितु टू होम दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस वर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। यहां देख करके तुम्हें क्या समझ में आया है कौन सा मेथड है, यहां देख करके तुम्हें क्या समझ में आया है कौन सा मेथड है, बोलो। यहां देख करके तुम्हें क्या समझ में आया ये कौन सा मेथड है? कैजुअली बेसिस है सर, फर्स्ट मेथड है। नॉर्मल सेल की एंट्री कर देंगे, नॉर्मल सेल की एंट्री कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया सर, ये तो हो जाएगा आराम से, होमवर्क में कर लोगे। ठीक है, चलो लगे हाथ, आप लोगों को कुछ और भी सिखा देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद तीसरा मेथड पढ़ाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद तीसरे मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, धन्यवाद। साइंस स्टूडेंट्स हैं तो जो जो क्लासेस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं आप उन्हें देखिए, आपको लेजर भी समझ में आ जाएगा, अकाउंट्स भी समझ में आ जाएगा। अब मैं इसकी थर्ड क्लास डालने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड क्लास में अकाउंट्स का जो बेसिक है, जो बेसिक अकाउंट्स है उनके बारे में मैंने आपको बताया है, अकाउंटिंग कैसे डेवलप हुई, अकाउंटिंग में DRCR क्या होते हैं। अब आपको जो थर्ड क्लास होगी उसमें मैं अकाउंट्स की अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा, अकाउंट्स के स्पेसिफिक वर्ड सिखाऊंगा कि कौन कौन से वर्ड अकाउंट में काम में लिए जाते हैं। उसके बाद अपन जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, फिर लेजर की तरफ बढ़ेंगे और फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, तो वो सब मैं आपको करवाऊंगा। डोंट वरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रखा है, वाई लिमिटेड सेंड आउट इट्स गुड्स ऑफ ₹120,000 टू वन ऑफ इट्स डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस पे माल भेजा, ऑन 31 मार्च ही रिसीव एन अप्रूवल लेटर फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑफ 80,000। 80,000 का उसको अप्रूवल मिल गया, तो 40,000 अभी भी कस्टमर के पास पड़ा है। वाई चार्ज 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, वाई ने 25% प्रॉफिट कोस्ट पे चार्ज किया। अच्छा कोई बच्चा मुझे एक बात बताओ, ये सिंगम वाला क्वेश्चन है कि चंटू बंटू वाला? पहले तो ये बताओ, 25% प्रॉफिट ऑन कोस्ट है, तुम्हें यहां पे सेल्स दे रखी है, सिंगम है कि चंटू बंटू है? पहले तो ये बता दो, बोलो पटना, बोलो बरेली, सिंगम है कि चंटू बंटू है? सर ये सिंगम है, सर सिंगम वाला केस है ये। ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब 40,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 बी 32,000, 32,000 हमारा स्टॉक विद कस्टमर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑन 31 दिसंबर 2011 गुड्स सोल्ड एट ए सेल प्राइस ऑफ 30,000 वर लाइंग विद कस्टमर, 30,000 का गुड्स हमने भेजा, मोहन टू होम दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस।
मोहन जिसे यह माल अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भेजा गया एंड रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल, ये देखते ही क्या समझ में आ जाता है सर? एक्चुअल सेल का मतलब कैजुअली बेसिस, जख्मी आशिक है सर ये, कैजुअली बेसिस का मतलब टूटे हुए दिल के लोग हैं। यहाँ पे क्या होगा सर, सारी की सारी एक्चुअल सेल की तरह एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। Since no consent was received from the Mohan, the adjustment entry was made presuming goods were sent on approval at a cost of profit of cost plus 20. बोलो सिंगम है कि चंटू बंटू, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, सिंगम है कि चंटू बंटू? सर ये भी सिंगम है, 30,000 है, 30,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, सर 5,000 रुपए का प्रॉफिट होएगा। बताओ स्टॉक विद कस्टमर कितना दिखाया जाएगा, स्टॉक विद कस्टमर कितना होएगा सर? 25,000, बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का कोई बच्चा मुझे जवाब दे, थर्ड क्वेश्चन का कोई बच्चा मुझे जवाब दे, थर्ड एंड फोर्थ दोनों का मुझे जवाब दे, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ जल्दी से बताइए दोनों का आंसर। बस पटना यही समस्या है तुम लोगों की, थर्ड क्वेश्चन का सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे नालायको ये देखो यहाँ क्या बोल रखा था कि सर 3500 रुपए की कॉस्टिंग का माल है, उसमें से 800 की कॉस्टिंग का माल रिटर्न आ गया, तो कितने रुपए का कॉस्टिंग का माल उसके पास पड़ा रहा? 2700 रुपए का। आंसर बी होगा ना? ओ अच्छा अच्छा सर, ऐसा ये था क्या? अरे बिलासपुर, बरेली, पटना कोस्ट में भी 25% लेस क्यों करोगे? अरे बेटा जब सेलिंग प्राइस हो तब लेस करते हैं। ओहो ये करना था सर, सी नहीं हो सकता था, सी तब होता जब यहां पे सेलिंग प्राइस दे रखी होती तो सी हो सकता था, लेकिन ये तो कोस्ट प्राइस है बेटा,
तो 3500 की कॉस्ट में से 800 की कॉस्ट का माल आ गया तो स्टॉक कस्टमर के पास कितनी कॉस्टिंग का रहा? 2700 नॉर्मल 2700 सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 का क्या जवाब है? फोर्थ का क्या जवाब है सर? 16000 ए। अच्छा, उसके बाद में ओके, फोर के बाद 5 और 7 मिसिंग है, कोई मिस्टेक हो गई होगी। चलो, फोर के बाद में यहां पे 5 और 6 इनका जवाब दो। हाँ, 5 का जवाब दो। फोर्थ के बाद फिफ्थ में जवाब दो, क्या होएगा? फिफ्थ का आंसर क्या होगा? पहले फिफ्थ बता दीजिए, फिर मैं 6 दिखा दूंगा। फटाफट जवाब दो, उसके बाद थर्ड मेथड की तरफ आगे बढ़ना है हमें। गुड, हाँ प्रयागराज बिल्कुल सही जवाब है आपका। पटना का है, प्रयागराज का नहीं, पटना का है। 1,10,000 बेटा, 55,000 रुपए की कॉस्टिंग की एक कार है। ऐसी दो कार है तो स्टॉक कितने का होगा? 1,10 का ही तो होएगा। तुम ये मत बोलना ये तो सेलिंग प्राइस है ना सर। स्टॉक विद कस्टमर तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिखाया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है सर इसकी? कॉस्ट प्राइस तो 55,000 है। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 6 और उसके बाद में ये जो 9 है, 5 और 6 मिसिंग है इसमें, जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हो गया। हाँ जी आगरा क्या हो गया? हाँ वॉइस का इश्यू है, अब ठीक है, अब तो नहीं है कंसर्न। बटिंडा ना ओके? हाँ सर अब ठीक है, हो गया। नाइन का आंसर क्या होगा? ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल और एंट्री नॉर्मल सेल में पास कर दी जाएगी, ठीक है ये भी हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, थर्ड मेथड को पढ़ते हैं। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड था कौन सा ये तो बताओ मुझे। अरे भाई थर्ड मेथड था कौन सा बोलिए। व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन न्यूमरसली बेसिस, जब माल अप्रूवल पे भेजा जाए। सिक्स का आंसर क्या था? व्हेन द रिटेलर गिव हिज अप्रूवल तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड तब भी हो जाती है। ए एंड बी दोनों होगा ना बेटा, बहुत ए एंड बी होगा ना। पटना नाइन समझ में नहीं आया? अगर आपको आपने माल अप्रूवल पे भेजा और उसको ट्रांजेक्शन कम है तो कैजुअली बेसिस हो गया, लिखवाया ना मैंने। अरे नालायक को मैंने लिखवाया नहीं तुम्हें, ये देखो यहां देखिए कहां लिखवाया था। अरे कहां गया वो पेज? व्हेन ट्रांजेक्शन आर फ्यू कैजुअली बेसिस पे, शायद इसमें नहीं मिल रहा। मैंने कल की क्लास में तुम्हें नोट करवाया था कैजुअली बेसिस में, जब ट्रांजेक्शंस कम होते हैं। ऑनरशिप तो मैन्युफैक्चरर तब देता है ना जब अप्रूवल मिल जाता है, ये तो पूछा है इसने। अंडर सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस द ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज पास्ड ओनली, कब उसको ट्रांसफर हो जाती है कस्टमर को? जब वो अप्रूवल दे देता है तो माल का मालिक वो बन जाता है, या फिर वो विद इन टाइम पीरियड में उसको माल ना लौटाए तो भी तो माल उसी का हो गया, तो ओनर वही बन गया, दोनों कंडीशन हो गई ना। थोड़ा दिमाग लगाया करो बटिंडा। ऑन कैजुअली बेसिस, अब कैजुअल सॉरी न्यूमरसली बेसिस को पढ़ते हैं। देखो न्यूमरसली बेसिस क्या होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल अप्रूवल पे भेजे जाए। व्हेन गुड सेंट ऑन अप्रूवल ऑन कंटिन्यू बेसिस। देखो पटना ध्यान से सुनना। अरे पटना अभी भी नहीं समझ में आया क्या तुम्हें? अभी भी दिक्कत है क्या? बोलो पटना अभी भी दिक्कत है तुम्हें, हाँ या ना? देखो एक जोक सुनाता हूं। अरे नाइन्थ पटना एक बात बता, क्या नहीं आया पटना इस नाइन्थ क्वेश्चन में? नालायक तेरे को क्या नहीं आया? अंडर सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस व्हेन ट्रांजेक्शंस आर फ्यू, मतलब कैजुअली बेसिस हो गया। तो कैजुअली बेसिस में क्या करते हैं कि हम उसे नॉर्मल सेल मान लेते हैं और उसकी एंट्री नॉर्मल बुक में पास कर देते हैं, बी ऑप्शन। ए क्यों नहीं हो रहा? ऑर्डिनरी सेल तो मानते हैं लेकिन पहले कंडीशन में एंट्री पास करते हैं, ये कह रहा है पास ही नहीं करते। अच्छा सी क्यों नहीं होता? अप्रूवल एंड सेल नो एंट्रीज पास, कैसे नहीं है? अप्रूवल की एंट्री पास करते हैं, नन ऑफ द अबव। लेकिन पटना होता क्या है तुम्हारे साथ कि तुम्हें जहां पे नन ऑफ अबव द ऑप्शन मिल जाए ना, बस तुम्हें लगता है बस यही दुनिया में सही है, बाकी सब बेकार है। ये दिया है ना इसने नन ऑफ द अबव, कुछ सोच समझ के दिया होगा। इजी था, एक चांटा मारूंगा पटना, तीन दिन वही पटना के चक्कर काटेगा। अब कह रहा है इजी था। अब देखो सुनना ध्यान से, हंसे मत, हंसी किस बात की आती है तुम्हें? एक तो नालायक अजीब अजीब से जवाब देते रहते हैं फिर हंसते हो रहे, देवा रे देवा कैसे बच्चे हैं ये। देखो ठीक है, एक दुकान पे एक दिन एक लड़की, ठीक है नाम क्या रखें इसका, चांदनी, ठीक है
चांदनी नाम की लड़की एक दुकान पे सैंडल खरीदने गई। सैंडल की दुकान पे जाकर के उसने, जूते की दुकान पे जाकर के उसने बोला, भैया सैंडल दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, ये चप्पल दिखाइए, वो दिखाइए। उसने उसको उस दुकान पे जाके कम से कम 300 सैंडल देख ली, एक भी पसंद नहीं आई। दुकानदार ने बोला, मैडम जितने भी सैंडल्स थी हमारी दुकान में हमने आपको सारी दिखा दी है, एक भी सैंडल अब ऐसी नहीं है जो कोई नहीं हो। तो वो लड़की चांदनी उसे कहती है, भैया वो एक डिब्बा पड़ा है ना, वो एक डिब्बा पड़ा है ना, वो भी तो दिखाओ। तो दुकानदार उसे कहता है, मैडम बक्स दो, वो मेरे खाने का लंच बॉक्स है, उसे तो बक्स दो। कहने का मतलब कि एक चीज पसंद आनी नहीं है चांदनी को, 300 दिखाएंगे और 300 की 300 में से हो सकता है एक पसंद आए और ना भी आए। तो कई बिजनेस ऐसे होते हैं। अब ऐसे में ये जो चप्पल वाला है, ये सैंडल वाला है, मुझे बताओ उसके पास 300 तरह की सैंडल थी, कस्टमर को एक भी समझ नहीं आई। इन दैट सिचुएशन क्या वो अपने सप्लायर से ये 300 सैंडल खरीद के लेके आएगा? क्या वो अपने सप्लायर से 300 की 300 सैंडल खरीद के लेके आ जाएगा? अरे भैया यहां कस्टमर का भरोसा नहीं है, उसे समझ में भी आ सकती है और नहीं भी। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे जो रिटेलर है वो अपने सप्लायर को, अपने मैन्युफैक्चरर को कहता है कि भैया देखो हम आपसे माल लेकर के जाएंगे, हम आपसे माल लेकर के जाएंगे, 300 सैंडल ले जाएंगे, लेकिन मैं एक महीने का आपसे टाइम पीरियड लूंगा, एक महीने में जितनी सैंडल बिक जाएगी वो तो मैं बेच दूंगा, लेकिन जितनी रह जाएगी ना वो आपको वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां हमारी दुकान में जरूरी नहीं है कस्टमर को सारी सैंडल पसंद आए, कुछ पसंद आ भी सकती है और कुछ नहीं भी। तो इसे कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, न्यूमरसली बेसिस पे। जब अब क्या होगा, ऐसे जो कस्टमर होंगे, ऐसे जो बिजनेसमैन होंगे, वो अपने मैन्युफैक्चरर से डेली, अपने मैन्युफैक्चरर से डेली क्या करेंगे, माल लेकर के आएंगे, उनमें से वो एक महीने तक बेचेंगे, जो बच जाएगा वो वापस लौटा देंगे, फिर नया माल लेके आएंगे, फिर उसको बेचेंगे, जो बिक जाएगा वो बेच देंगे, जो नहीं बिकेगा वो वापस अपने सप्लायर को दे देंगे। तो यहां पे ट्रांजेक्शन कंटिन्यू बेसिस पर होते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? प्रयागराज बठिंडा, वहां दिल जले आशिक 100 के 100 एक ही बारे माल ले लेते थे। जानू बेबी सोना वाले क्या थे, 100 में से 70 तो पसंद कर लेते थे, 30 वाले पसंद नहीं करते। लेकिन यहां पे जो लंच बॉक्स को भी सैंडल समझ बैठे, ऐसे लोग जो होते हैं 100 के 100 अप्रूवल पे जाते हैं। अब एक बात बताओ, अरे तो जरूरी है क्या हर बात प्रयागराज? कुछ बातें बेटा ऐसी होती है, आज सुबह सुबह से ऐसा ही हो रहा है। मेरे को ना आज सुबह से पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आज सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, तुम पूछोगे नहीं किसका फोन आया, सोतो सोतो किसका फोन आया होगा। किसका आया? अरे मोदी जी का फोन मेरे पास क्यों आएगा। हां सुबह सुबह बीवी का फोन आया, हम मैं नींद में सो रहा था तो बीवी का फोन आया, जी अजी उठ गए। मैंने कहा नहीं अभी तो सो ही रहा हूं। तो कहती जी आज मेरा शायरी सुनने का मन कर रहा है, मेरे को शायरी सुनाऊं सुबह 6 बजे। मैंने कहा भाग्यवान तुम तो 5 बजे उठ जाती हो, लेकिन मेरे को 5 बजे उठने की आदत नहीं है, मुझे सोने दो। कहते नहीं जी मेरा शायरी सुनने का मन कर रहा है। मैंने कहा अभी सुनानी जरूरी है, 10 बजे के बाद सुन लियो, क्लास से आने के बाद शाम को सुना दूंगा। कहते नहीं शायरी सुनाओ। तो फिर अपन भी जी क्या है, इतनी माथापच्ची करने के बाद मूड में आ गए और मैंने भी 2 लाइन की शायरी सुना दी। तो 5 बजे कौन उठता है? हां
मैंने भी दो लाइन की शायरी सुना दी। मैंने भी कहा, मैंने कहा ले सुन भाग्यवान तू ही सुन, अब शायरी सुन। मैंने कहा सुबह सुबह तेरे तेरी बड़ाई कर देता हूं। मैंने कहा संगमरमर से तराशा खुदा ने तेरी सूरत को। तो वो खुश हो गई, मतलब उसको लगा पता नहीं आज तो पता नहीं क्या अंदाजे शायरी आएगी। मैंने कहा संगमरमर से तराशा खुदा ने तेरी सूरत को, और बाकी बच्चा पत्थर रख दिया तेरी अकल पे। लो जी, सुबह से फोन बंद है, फोन स्विच ऑफ है, एक मैसेज नहीं आया। शायद जो बाकी बच्चा पत्थर मोबाइल पे रख दिया। तो बठिंडा प्रयागराज बेटा कुछ नहीं पता, जो हो जाए वो सही है। वो भी कोई शायरी, वो तो शायरी थी ना, उसको जोक समझ बैठे, जोक को कोई शायरी समझ बैठता है। जिंदगी बेरंग हो गई। अब सुन लो, फिर अब सुन लो, अब 10 बजे की सुन लो, आएगा कॉल। फोन 10 मिनट के लिए ऑन हुआ तो मुझे लगा कि सुबह सुबह की नाराजगी को खत्म करते हैं। हाँ, सुबह सुबह की नाराजगी को खत्म करते हैं। मैंने एक मैसेज लिखा, मैंने कहा ना हो उदास ए दिल रुबा। मतलब मैंने एक मैसेज लिखा, ना हो उदास ए दिल रुबा, हम तो सिर्फ तुम्ही पे मरते हैं। अब देखो जिंदगी बेरंग कैसे होती है इंसान की। ना हो उदास ए दिल रुबा, हम तो सिर्फ तुम्ही पे मरते हैं। मुझे लगा शायद इस बात से शायद उसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन नहीं। अभी अभी थोड़ी देर, मतलब 10 मिनट में जब फोन ऑन हुआ तो वापस मैसेज पे रिप्लाई आया। तो फिर जीते किसके लिए हो ये बताओ। मैंने कहा आज दिन खराब है, चुपचाप पढ़ा लेते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अब सुन लो। मतलब शायरी में मैंने ये बोला वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जीते किसके लिए हो। क्या जवाब दे, कोई जवाब नहीं है। हां, दुख में है या मस्त है समझ नहीं आ रहा। आ जाओ पढ़ते हैं, कोई नहीं। नहीं, सारी बातें काल्पनिक नहीं होती है, ये तो वास्तविकता है, ये सच्चाई है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब फिर क्या हुआ, अब इधर देख लो, 100 के 100 कस्टमर जो हैं वो माल अप्रूवल पे लेके जाते हैं और वापस रिटर्न करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 कस्टमर है, कस्टमर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 जो कस्टमर हैं वो माल पहले 100 अप्रूवल पे लेके गए, फिर 300 आइटम अप्रूवल पे, फिर 400 आइटम अप्रूवल पे, फिर वो वापस रिटर्न करेंगे, फिर उनमें से कुछ सेल होगी। तो बिजनेस का क्राइटेरिया बड़ा हो गया, ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो गए। तो ऐसे में मैं हर बात याद भी नहीं रख सकता। दूसरी बात, एक मुद्दा यहां यह है, अगर आप इस तरह से एक ये बनाते हो, सर 2-4 बातें तो इस तरह के कॉलम में लिखी जा सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें इस तरह के कॉलम में लिखी नहीं जा सकती। अच्छा सर, एक काम करें, जब 100 के 100 कस्टमर माल अप्रूवल पे लेके जा रहे हैं तो 100 के 100 की अपन अपनी ओरिजिनल बुक में एंट्री बना लूं। मुझे एक बात बताओ, 100 लोगों की याद तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए मैं लिखूंगा जरूर, 100 के 100 लोगों की ओरिजिनल बुक में जर्नल एंट्री बना ली। मुझे एक बात बताओ, पहले मैं 100 जर्नल एंट्री बनाऊंगा, उसमें से 40 तो रिटर्न आएगी, तो पहले तो 100 जर्नल की बनाओ एंट्री, 40 रिटर्न की बनाओ, उसके बाद में मैं जो है वो बाकी 30 मान लो उस कस्टमर के पास स्टॉक रह गया तो उनकी भी एंट्री बनाओ। मतलब हमारी जो मेन बुक है ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी।
जैसा तुमने सुना है ना कभी कि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पीछे किसी पेज पे सारे रफ काम कर लेते हैं, हम पहले क्वेश्चन को पीछे किसी पेज पे सोल्व कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे उसमें से सही सही काम को अपन क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे सही काम होगा खाली उसको अपन अपनी फेयर बुक में लिख लेंगे। प्रयागराज बेटा किसी की एंट्री नहीं बनाते हैं, ये मुद्दा हो नहीं सकता, यहां पे 100 लोग हैं और बार बार में माल लेकर के जाते हैं, मैं भूल जाऊंगा किसको कितना माल दिया, तो लिखना तो जरूरी हो गया प्रयागराज, यहां पे 100 लोगों की एंट्री को लिखना जरूरी है, लिखना तो पड़ेगा मुझे, लेकिन लिखूं कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है आपको, 100 लोग है, बिजनेस का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, मतलब लिखना पड़ेगा। अब जो है वो अगर मैं अपनी फेयर नोटबुक में ये सब कुछ लिख लूं तो समस्या ये है कि काटपीट बहुत ज्यादा हो जाएगी, ट्रांजेक्शन फेयर बुक में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं एक काम करूं, पहले एक रफ बुक बना लेता हूं, एक रफ बुक बना ली, सुनना बात ध्यान से, एक रफ बुक बना ली, ये लीजिए एक रफ बुक बना ली और एक फेयर बुक बना ली, ठीक है। रफ बुक का मतलब हो गया कि सारी एंट्रीज पहले रफ बुक में बना लो ताकि इससे आपको याद रहे, उसमें से जो जो सेल हो जाए वो फेयर बुक में एक्चुअल सेल की एंट्री बना लेना और जो स्टॉक कस्टमर के पास रह जाए उसकी एंट्री बना लेना। आपको मेन बुक को काटपीट नहीं करना पड़ेगा, खाली रफ बुक में काम करके आपका काम निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो हाँ या ना, अगर मैं रफ बुक में एंट्री बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा क्या? बोलो प्रयागराज, बोलो लक्ष्मीनगर। प्रयागराज बेटा लेंदी काम हो जाएगा लेकिन कोई उपाय नहीं है ना मेरे पास, काम लेंदी हो जाएगा, आई नो काम जो है वो लेंदी हो रहा है लेकिन इसका मेरे पास, हाँ एग्जाम्पल दूंगा मैं, डोंट वरी, लेकिन मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है ना। बिजनेस बड़ा है तो माता बच्ची तो करनी पड़ेगी ना, कस्टमर भी तो बहुत ज्यादा है, 300-300 माल एक साथ आपके पास से लेके जा रहे हैं, तो आपको हिसाब तो रखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इसके बारे में, तो थर्ड मेथड की मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, ये हेडिंग मैंने यहीं पे लिख दी है, उसके नीचे मैं लिख रहा हूं व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन कंटिन्यू बेसिस, जब गुड्स अप्रूवल पे भेजा जाए। हापुर एक चांटा मारूंगा ना, 3 दिन वही नाचोगे, मेरे सामने ब्रेक का नाम मत ले लेना कभी, 2.5 घंटे की क्लास में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, गलती से भी मत बोल देना सर ब्रेक दे दो, किसी भी क्लास में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। व्हेन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन कंटिन्यू बेसिस देन सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर, सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर आर प्रिपेयर्ड, सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर बनाई जाती है, दीज बुक्स आर नोट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, दीज आर ओनली मेमोरेंडम बुक्स, ये मेमोरेंडम बुक होती है, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे बनाई जाती है, सेल और रिटर्न जर्नल बोल दो चाहे डे बुक बोल दो और सेल और रिटर्न लेजर बोल दो, दोनों की दोनों जो है मेमोरेंडम बुक है, आपको बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस में ब्रेक मिलता है क्या 11 से 2:30 के बीच में? हापुर पटना प्रयागराज बाकी क्लासेस में ब्रेक मिलता है क्या जो आप इस क्लास में मांग रहे हो? कौन सी क्लास में मिलता है?
अब सुनो, सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न जर्नल और सेल और रिटर्न लेजर दोनों जो है वो मेमोरेंडम बुक्स है। सारे बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे लिए सारी चीजें हमने सिस्टमेटिक कर रखी है। 11 बजे की क्लास की टाइमिंग कर रखी है। तुम अपने घर से आराम से 10 बजे निकलो, ब्रेकफास्ट करके निकलो, 2.5 घंटे की पढ़ाई करो, और उसके बाद आपको आधे घंटे का प्रॉपर समय दिया जाता है लंच करने के लिए। अब और तुम्हें क्या ब्रेक चाहिए? 2.5 घंटे भी तुम तमीज से नहीं बैठ सकते? नोट करो, फिर उसके मैं आगे का टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। आज 2 बजे BCK की क्लास है। आप लोगों का शेड्यूल नहीं पता चला क्या? आप लोगों को एक बार नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें आने वाले आगे के अगले वीक और उससे अगले वीक तक का शेड्यूल दे देता हूँ। आप ये नोट कर लो, अभी आपको आगे इसके आगे वाले वीक का भी शेड्यूल दे देता हूँ। नोट करें इसे। हो गया नोट? ये लीजिए, ये शेड्यूल आप लोगों का, आप लोग फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और किसी को नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं। आप लोगों की कल से जो है वो ये क्लासेस ऑफ रहेगी। कल से जो ये 2 से 4:30 वाली क्लास है वो ऑफ रहेगी। संडे आपका ऑफ रहता ही है नॉर्मली, उसके बाद कोई ऑफ नहीं रहेगा। शेड्यूल को नोट कर लीजिए आप, ये फाइनल शेड्यूल है आप लोगों का 8 तारीख तक का। उसके आगे का अपडेटेड शेड्यूल आपको उसके बाद बता दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 31 को भी आपका ऑफ है एक, और 4 ये आपके यहां पे ये क्लासेस अभी ऑफ पर है। डन, मिल गया सबको शेड्यूल? मिल गया?
चलिए, हाँ फिर भी अगर किसी को शेड्यूल चाहिए तो वो अपने नियरेस्ट सेंटर से शेड्यूल ले सकता है, मिल जाएगा। आप अपने सेंटर पे जाकर के सेंटर को बोल दीजिए, वो आपको शेड्यूल दे देंगे। हाँ अब देखो, अब अपन बात करते हैं एंट्रीज को लेकर के, एंट्रीज कैसे पास की जाती है। देखो भाई, अगर बिजनेस का क्राइटेरिया जो है वो बड़ा है, तो ऐसे में मैं सारे काम फेयर बुक में नहीं कर सकता। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, मैं आपको एक बार यहां पे रफ बुक लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, मैं एक बार यहां पे रफ बुक लिख रहा हूं, बाद में मैं इसका नाम बदल दूंगा, और यहां पे लिख रहा हूं फेयर बुक, बाद में मैं इसका नाम भी बदल दूंगा, ठीक है। रफ बुक क्या होती है, एक मेमोरेंडम बुक है जिसमें अगर मैं किसी को माल भेजूंगा, कस्टमर को माल अप्रूवल पे भेजा, 4 लाख का माल भेजा, छोटा मोटा माल है नहीं, हिसाब तो रखना पड़ेगा, तो पहले मैं यहां एक एंट्री बना लूंगा, मैं यहीं पर एक एंट्री बना लूंगा, कस्टमर अकाउंट DR2, कस्टमर अकाउंट DR2। अब नॉर्मली मैं माल बेचता हूं तो एंट्री क्या बनाता हूं, कस्टमर टू सेल्स। नॉर्मली माल बेचता हूं तो क्या एंट्री बनाता हूं, कस्टमर टू सेल्स। यहां पे क्या एंट्री बना लूंगा, यहां पे एंट्री बना लूंगा कस्टमर अकाउंट DR2 सेल और रिटर्न अकाउंट। मतलब नॉर्मली तो टू सेल्स होता है, लेकिन यहां पे मैंने कस्टमर अकाउंट DR2 सेल और रिटर्न अकाउंट की एंट्री बना ली 4 लाख रुपए से। मतलब ये रफ में एक एंट्री बन गई है, रफ में एक एंट्री बन गई है, यहां बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, अब कस्टमर ने जी माल लौटाया, व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने माल लौटाया, हमने क्या किया, नॉर्मली क्या एंट्री बनाते थे, सेल्स, बिल्कुल प्रयागराज कोई भरोसा नहीं, 100% माल वापस आ सकता है, तो सेल और रिटर्न अकाउंट DR2 कस्टमर, 1.5 लाख का माल वापस लौटा दिया, तो भेजने की एंट्री भी यहां बन गई और रिटर्न की एंट्री भी यहां बन गई, यहां कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है सर। अब क्या होगा, व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड, अब हमें अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात का जवाब देना, आपके पास 2 लाख रुपए के माल का अप्रूवल आ गया, सिंपल सा जवाब है बेटा, जब माल पटना, एक बात बताओ, अब फेयर बुक में एंट्री बनेगी, वेरी गुड प्रयागराज, अब बनेगी, इसकी एंट्री फेयर बुक में भी बना दूंगा मैं, तो मतलब कच्चा हिसाब यहां रह गया और जो रियल में सेल है जिससे मुझे प्रॉफिट होगा वो मैं फेयर बुक में पास कर दूंगा, फेयर बुक और रफ बुक के नाम में बाद में बदल दूंगा, ठीक है। चलो व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड, जब हमें अप्रूवल मिलेगा, तो मुझे एक बात बताओ, आपने 4 लाख का माल अप्रूवल पे भेजा, उसमें से 1.5 लाख का हिसाब तो आपके पास हो गया, देखो 1.5 लाख का आपके पास हिसाब हो गया, 1.5 लाख वापस आ गया, तो देखो सेल और रिटर्न अकाउंट DR था और एक बार CR है, 1.5 लाख तो कट गया। अब 2.5 लाख का माल अप्रूवल पर है, उसमें से 2 लाख का माल अप्रूव्ड हो गया, तो क्या वो अप्रूवल पे रहा, जवाब दो मुझे, 2.5 लाख का माल अप्रूवल पे था, 2 लाख का माल अप्रूव्ड हो गया, तो क्या वो अप्रूवल पे रहा, नहीं सर, वो अप्रूवल पे कहां रहा, अब वो तो माल अप्रूव्ड हो गया, तो सर वो तो सेल हो गया ना, तो उसकी तो आप सेल की एंट्री बनाओ, अगर वो माल सेल हो गया तो सर आप उसकी सेल्स की एंट्री बनाओ, कस्टमर अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट, वो तो एक्चुअल सेल हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और हमने एक्चुअल सेल की एंट्री बना दी, राइट, क्लियर है, 2 लाख। लेकिन क्या वो माल अप्रूवल पे रहा, नहीं ना, तो सर अप्रूवल कितना रहा, खाली 50,000, तो सर वो 2 लाख भी अब अप्रूवल से हटाओ, सेल और रिटर्न जो है वहां से हटाओ, सेल और रिटर्न अकाउंट DR2 कस्टमर यहां से हटा दो सर,
वो 2 लाख का माल भी यहां से कैंसिल कर दो, राइट? ये 2 लाख का माल यहां से भी कैंसिल कर दो, यहां से भी हटा दो। बोलो प्रयागराज, पटना, समझ में आया? ये 2 लाख का माल यहां से भी हटा दिया। अब हमारे पास यहां कितना माल रह गया? हमारे पास बैलेंस स्टॉक रह गया। बैलेंस स्टॉक कितना रह गया? 50,000। सर ये माल ना तो अप्रूव्ड हुआ। प्रयागराज रफ में सेल नहीं होगा, रफ में अप्रूवल पे था, अब अप्रूवल पे नहीं है। तो अप्रूवल पे था तब ये एंट्री बना दी, अप्रूवल पे नहीं है तो कैंसिल करने की एंट्री बना दी। अप्रूवल खत्म हो गया ना भाई, रिटर्न आया तो भी अप्रूवल खत्म हो गया, माल बिक गया तो भी अप्रूवल खत्म हो गया। तो यहां पे तो मैंने कैंसिल कर दिया और यहां पे मैंने उसको एक्चुअल सेल की एंट्री बना दी। अब 50,000 का बैलेंस पड़ा है, ना तो अप्रूव्ड हुआ, ना रिटर्न आया, ना सेल आया और ना ही टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ। इसका मतलब उस स्टॉक का मालिक कौन है? उसका मालिक तो हम है। तो ये हमारा स्टॉक विद कस्टमर है, तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या यहां पे मैं 50,000 पूरा दिखाऊंगा? क्या मैं यहां पे 50,000 पूरा शो करूंगा? जवाब दो मुझे। नहीं सर, यहां पे 50,000 पूरा नहीं शो होगा। सर इस 50,000 में से आप माइनस करो ना। कितना माइनस करूं? सर मान लीजिए 20% प्रॉफिट है, ये मैंने सिर्फ एज्यूम किया, ऑन सेल्स है, ये भी लो, ठीक है। इसका मतलब 40,000 हो गया सर, 40,000 यहां पे शो किया जा सकता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मतलब मैंने रफ बुक में एंट्री कर ली, फेयर बुक में इसकी कोई भी एंट्री पास से नहीं करी, ओनली एंड ओनली रफ बुक में एंट्रीज को पास कर लिया, बस हमारा काम हो गया। सारे बच्चे नोट कर लीजिए, सारे बच्चे नोट कर लीजिए। हां, रफ बुक का नाम बदल लीजिए, इसका नाम क्या है? ये वाला कलर आपको लोगों को दिखाई दे रहा है भाई? बताइएगा एक बार मुझे थोड़ा सा। नहीं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, दिस इज नॉट ओके। आई थिंक यही वर्क कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट वाला। आई थिंक ये दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ ठीक है, चलिए। इन द मेमोरेंडम सेल और
रिटर्न बुक, एक तो मेमोरेंडम सेल और रिटर्न बुक है उसमें, इसको लेजर भी बोला जा सकता है, लेजर ही लिखो इसके आगे, और दूसरा इन द जनरल लेजर, मतलब जो हमारी नॉर्मल बुक है उसमें एंट्री। प्रयागराज बेटा, जब माल हमने अप्रूवल पे भेजा था तो तुमने एंट्री बनाई थी ये, अब जब वो अप्रूव हो गया तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो अप्रूवल पे रहा क्या? प्रयागराज, जब वो अप्रूव्ड हो गया तो क्या वो अप्रूवल पे रहा क्या, हाँ या ना? जब वो अप्रूव्ड हो गया तो उसकी सेल की एंट्री मैंने यहां बना दी, नहीं ना? वो अप्रूव्ड हो गया तो सेल की एंट्री यहां बना दी, तो वो अप्रूवल पे नहीं रहा, तो यहां जो एंट्री बनाई उसकी कैंसिल कर दी कि भैया आप हमारे पास अप्रूवल पे माल खाली 50,000 का ही रहा है, इसलिए उसको कैंसिल करने की एंट्री बनाई। तुम्हारा दिमाग ये चल रहा है कि सर वहां तो आप अप्रूवल पे जब नहीं रहता था तो उसको कैंसिल करने की एंट्री सेल्स अकाउंट डीआर टू कस्टमर करते थे, यहां पे क्यों नहीं करी? अरे बेटा, यहां पे एंट्री जब पहले सेल कस्टमर टू सेल और रिटर्न अकाउंट करी तो अप्रूवल पे नहीं रहा, वो कैंसिल हो गया, तो उसको भी रिवर्स करने की एंट्री करेंगे, ठीक है? नोट हो गया, सारे बच्चों का नोट हुआ? बोलिए, हाँ, क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रखा है। एक्स सप्लाइड, ठीक है, एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। एक्स अपने कस्टमर को माल जो है वो सेल और अप्रूवल बेसिस पे भेजता है। द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर, आपको ये पर्टिकुलर्स बता रखे हैं। सबसे पहले माल भेजा 10 तारीख को, माल भेजा 10 तारीख को, 12 तारीख को, उसके बाद में 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 और 30। पार्टी का नाम क्या है? एबीसी कंपनी को माल भेजा है। देखो, एबीसी कंपनी को दो बार माल भेजा, DEF कंपनी को दो बार माल भेजा और GHI कंपनी को दो बार माल भेजा। तो ऐसे में मुझे एक बात बताओ कि हर एक कंपनी से मैं बार बार में लेन देन कर रहा हूं, जो 10,000 का माल भेजा उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली, नो इंफॉर्मेशन टिल, ठीक है? रिटर्न, इसको माल भेजा वो 16 तारीख को रिटर्न आ गया, इसको 12,000 का माल भेजा, 2,000 का रिटर्न आ गया 20 तारीख को, 2,000 का रिटर्न आ गया 20 तारीख को। इसने गुड्स रिटेन कर लिया, इसने गुड्स रिटेन कर लिया और अभी तक इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच, डिस्पैच के 15 दिन के अंदर अंदर माल वापस आ जाना चाहिए। एक बात बताओ, 10 तारीख को जो माल भेजा था भैया, उसका रिटर्न कब आ जाना चाहिए था? 25 तारीख। 10 तारीख को जो माल भेजा था उसका रिटर्न कब आ जाना चाहिए था? 25 तारीख तक। और हमारे पास रिटर्न आया नहीं, इसका मतलब वो क्या है? वो अप्रूव्ड हो गया। भैया तुमने इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब टाइम पीरियड खत्म हो गया, और जैसे ही टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ तुम्हारा माल अप्रूव्ड माना जाएगा, हम इसको सेल मान लेंगे। अच्छा, ये भी अप्रूव्ड है, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, अगले ने ही बोल दिया, ये भी अप्रूव्ड है, अगले ने बोल दिया, ठीक है। ये जो है वो रिटर्न हो गया, ये साफ साफ वो बोल रहा है। 12 में से 2 रिटर्न हो गया तो 10,000 का माल अप्रूव्ड हो गया। चलिए, ये बात भी सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें। चलो, 12 तारीख वाले का रिटर्न हो गया, कोई टेंशन ही नहीं थी। 15 तारीख वाले का 10,000 का जो है वो रिटर्न हो गया। ओके, रुकिए एक मिनट, 15 दिन का समय दिया था ना, गुड्स वर्थ 20,000 रिटर्न ऑन 20,
20 को रिटर्न हो गया, 15 तारीख को माल बेचा, 30 तारीख तक माल वापस आ जाना चाहिए, 31 दिसंबर मतलब इसका भी अप्रूव हो गया। उसका ने 20 तारीख को जो माल भेजा उसको 15 दिन का समय था, मतलब 5 जनवरी, 15 दिन जोड़ो 5 जनवरी, 5 जनवरी तक वो लौटा सकता था, लेकिन उसने तो पहले ही अप्रूव कर दिया रिटेन, उसने बोल दिया मैं रख रहा हूं भैया। 25 तारीख वाला माल भी अप्रूव हो गया, उसने बोला मैं भी रख रहा हूं, लेकिन 30 तारीख वाला जो माल है वो अप्रूव नहीं हुआ, 30 तारीख वाला जो माल है वो अप्रूव नहीं हुआ, और अभी स्टिल स्टॉक विद कस्टमर है, अभी जो है वो स्टिल जो है वो स्टॉक विद कस्टमर है। चलिए अब हमें वो बोल रहा है फेलिंग विच इज इट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, तू क्या बता रहा है भाई, हमें ही पता है। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन 31st दिसंबर, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स की बुक में एक तो सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे अकाउंट बुक्स, ठीक है, एक तो डे बुक बनानी है और एक सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है, तो एक तो सेल और डे रिटर्न बुक बनानी है और एक सेल और रिटर्न का अकाउंट बनाना है। चलिए बुक बनानी है मतलब, पहले मैं आपको आज इस बुक का भी एक मीनिंग समझाता हूं। देखो बेटा जब बिजनेस बड़ा होता है ना, तो तुम लोगों ने 11th क्लास में एक बात सीखी थी कि परचेज की एंट्री मत बनाओ, और परचेज की एंट्री की जगह सुन लेना, अब इस बात को इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना, मैं बार बार में नहीं बताऊंगा। जब आपने बिजनेस का क्राइटेरिया बड़ा होता है तो वो ऐसे कहते हैं कि परचेज की एंट्री मत बनाओ, परचेज अकाउंट ईआर टू क्रेडिटर्स ये एंट्री मत बनाओ, ठीक है, इसकी जगह एक परचेज बुक बना लो, और परचेज बुक का एक फॉर्मेट होता है, उसमें ऐसे लिख दो कि क्रेडिटर से हमने कितना माल खरीदा, मान लो 10,000 का माल खरीदा, याद आ रहा है 11th क्लास, और तुमने 10,000 रुपए यहां दिखा दिए, ऐसा करते थे ना। परचेज की जर्नल एंट्री मत बनाओ, वो तो अब प्रयागराज तुम्हें भी कल पता होगा, जब बिजनेस छोटा होता है तो जर्नल बनाते हैं, मैंने कल की अकाउंटिंग साइकिल में सिखाया था, और जब बिजनेस बड़ा होने लग जाता है ना तो जर्नल ना बना करके उसकी परचेज बुक बना लेते हैं, मतलब ये परचेज बुक बनाना जर्नल का ही काम करती है। चाहे तुम जर्नल बना लो, चाहे तुम डे बुक बना लो, सब्सिडरी बुक बना लो, दोनों सही है, लेकिन जब बिजनेस छोटा होता है तब जनरल एंट्री से काम चल जाता है, और इसकी जगह जब बिजनेस बड़ा होने लग जाता है तो जनरल एंट्री से काम नहीं चलता, और इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, हम सब्सिडी बुक बना लेते हैं। लेकिन अब एक बात और डिटेल में सीख लेना, परचेज की जनरल एंट्री बनाते हो तब भी तुम परचेज अकाउंट ही बनाते हो, ठीक है, और जब सब्सिडी बुक बनाते हो तब भी तुम एक परचेज अकाउंट ही बनाते हो। परचेज अकाउंट में क्या दिखाया जाता है, टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट में टू क्रेडिटर्स, यहां पे भी परचेज अकाउंट बनाया जाता है लेकिन क्रेडिटर का नाम बार बार में आ जाता है, परचेज अकाउंट ही बनाया जाता है लेकिन बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं और उनका बार बार में नाम आ जाता है, मतलब जैसे यहां पे तो 4-5 ही एंट्री है, यहां पे 40 एंट्री है, अब 40 लोगों के नाम ना लिखूं मैं यहां पे, तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं ना, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, मान लो 10,000। इतनी बात तुम्हें समझ में आई क्या, मतलब जो नया बच्चा है उसको भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए, बेटा बिजनेस छोटा होता है तो जर्नल बना लेते हैं, बिजनेस बड़ा हो जाता है तो सब्सिडरी बुक बना लेते हैं, जर्नल से भी परचेज अकाउंट बनता है, सब्सिडरी बुक से भी परचेज अकाउंट बनता है, नहीं बटिंडा, परचेज बुक और परचेज अकाउंट आर नॉट सेम। परचेज बुक में खाली और खाली उधार की परचेज लिखी जाती है, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों परचेज की लेजर पोस्टिंग होती है। बात समझ में आई क्या, इसका मतलब तुमने परचेज अकाउंट बना लिया, परचेज बुक बनाओगे तब भी परचेज अकाउंट बनाओगे, ठीक है, और परचेज बुक बनाते समय एक बात ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे तो ऐसे क्रेडिटर 1, क्रेडिटर 2, क्रेडिटर 3 ना लिख करके उन सबको एक साथ जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, राइट, क्लियर है सबको, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे क्रेडिटर 1 है, फिर ऐसे एक एंट्री और बनी परचेज अकाउंट ईआर, जैसे मान लो यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, एक आदमी का नाम राम है, ठीक है, एक आदमी का नाम श्याम है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ। यहां पे भी क्या करोगे तुम, ऐसे दिखाओगे राम का, तो राम से इतना माल खरीदा है हमने, फिर श्याम से है,
फिर बबलू भैया से है, फिर गुड्डू भैया से है, सबका नाम लिखोगे यहां पे। फिर परचेज अकाउंट बनाने के बाद तुम एक राम का अकाउंट बनाओगे, श्याम का अकाउंट भी बनाओगे। यहां पे भी परचेज बुक से परचेज अकाउंट बनाते समय राम, श्याम, बबलू, गुड्डू सबको जोड़ करके एक साथ यहां दिखा दोगे। लेकिन भैया 400 आदमी है तो इनकम भी तो 400 लोग ही कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें राम का तो अलग हिसाब रखना पड़ेगा, यहां भी रखना पड़ेगा, यहां भी रखना पड़ेगा। श्याम का अलग आदमी है, अलग हिसाब रखेंगे। तो राम श्याम के अलग अगर अकाउंट दोनों कंडीशन में बनते हैं, लेकिन यहां पे जनरल एंट्री में परचेज की लेजर पोस्टिंग बार बार में की जाती है। यहां पे परचेज बुक से बार बार में लेजर पोस्टिंग ना करके एक साथ परचेज अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कर दी जाती है। ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई क्या? तब तो मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं। यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई क्या? बोलो बोलो बठिंडा, बोलो हापुर, धनबाद, प्रयागराज, आगरा, बोलो बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हुए क्या? मतलब जब बिजनेस छोटा होता है, बिजनेस छोटा होता है तो जनरल बनाई जाती है, बिजनेस बड़ा होता है तो परचेज बुक बनाई जाती है। जनरल से भी परचेज अकाउंट बनता है और सब्सिडरी बुक से परचेज बुक से भी परचेज अकाउंट बनता है। लेकिन जनरल में परचेज की 5 एंट्री है तो 5 बार लेजर पोस्टिंग होती है, लेकिन परचेज बुक में परचेज की 500 एंट्री क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लेजर पोस्टिंग पूरी परचेज बुक को एक साथ जोड़ करके परचेज अकाउंट में की जाती है। अब समझे बठिंडा, जनरल एंट्री बनाते समय भी राम, श्याम, मोहन, सोहन, गुड्डू, बबलू सबके अलग अलग अकाउंट की लेजर पोस्टिंग होती है। परचेज बुक बनाते समय भी राम, श्याम, बबलू, गुड्डू, मोहन, सोहन सबकी अलग अलग लेजर पोस्टिंग होती है। यहां तक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अगर यहां तक के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ू। वेरी गुड प्रयागराज, ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। हमारे को जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें वो ये कह रहा है कि आप जो है भैया एक काम करो, परचेज डे बुक बनाओ। नीचे वाले में कौन से में? नीचे वाले में कौन से में प्रयागराज, किस में? इसमें या इसमें? इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? इस वाले में? चलो मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। सुनना, आपने गुड्स परचेज किया, चलो 2 मिनट का समय और लगेगा। परचेज अकाउंट डीआर टू बबलू 10,000, ठीक है। उसके बाद में दोबारा गुड्स खरीदा, परचेज टू गुड्डू 15,000। उसके बाद में परचेज अकाउंट डीआर टू कालीन भाई 20,000। आप समझ जाओगे, परचेज टू चंदू 10,000। 4 लोगों से माल खरीदा, ये नॉर्मल एंट्री है, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस बड़ा होता है ना तो मैं इन 4 लोगों की एंट्री नहीं बनाता हूं और एक परचेज बुक बना लेता हूं और इस परचेज बुक में इस तरह से एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूं। बबलू से कितना माल खरीदा 10,000, बबलू का हिसाब ऐसे लिख लिया। गुड्डू से कितना माल खरीदा 15,000, ऐसे लिख लिया। बस खाली एक ही साइड ये लिख लेते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं, क्या क्या खरीदा उसकी डिटेल लिख लेंगे। उसके बाद में कालीन भाई से कितना खरीदा, कालीन भाई से 20,000 का माल खरीदा, ठीक है। और उसके बाद में चंदू से कितना माल खरीदा, चंदू से 10,000 का माल खरीदा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखिए क्या किया, माल खरीद लिया और माल खरीद करके और इन सबका टोटल लगा लिया परचेज बुक 20, 30, 40, 50 और 55। हाँ, इनवॉइस नंबर एज पर क्वेश्चन लिख देंगे धनबाद, तुम बात को समझो, इतना समझो। अब मैं बनाता हूं मेरा परचेज अकाउंट दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में भी परचेज अकाउंट और इस कंडीशन में भी परचेज अकाउंट। ये लीजिए, दोनों कंडीशन में मैं परचेज अकाउंट बनाता हूं। पहली कंडीशन में मैं दिखाऊंगा परचेजेस टू बबलू,
आप समझ जाओगे तुम। परचेजेस टू गुड्डू, परचेजेस टू गुड्डू और परचेजेस टू कालीन भाई और परचेजेस टू चंदू, चारों के नाम लिखे मैंने। कितना कितना सर? 10, 15, 20 और 10। 10,000, 15,000, 20,000 और 10,000, ये टोटल परचेज अकाउंट बन गया। लेकिन बटिंडा परचेज चांटा मार दूंगा, एक बटिंडा चांटा मार दूंगा अगर बीच में कोई फालतू का सवाल किया तो। जब मैं ये समझा रहा हूं तो परचेज रिटर्न बाद में करेंगे ना, परचेज रिटर्न की अलग से एक बुक बनाई जाती है। नालायक बाद में बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आए? और अब बीच में फिर उनको नए नए सवाल लेकर के आने। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में अगर इस कंडीशन में परचेज अकाउंट बनाऊंगा तो देखो, बबलू, गुड्डू, कालीन भाई, चंदू, ऐसे 40 नाम होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम होंगे सबके। यहां तो सिर्फ चार ही नाम है ना, यहां पे बेटा बहुत सारे नाम होंगे। अब बहुत सारे नामों को मैं बार बार मैं यहां लिखूं, टू बबलू, टू गुड्डू, टू कालीन भाई, टू चंदू, टू टू बंटी, टू ये वो एना तैना, 25 नाम मत लिखो। जब बिजनेस बड़ा होता है तो उन सबको जोड़ करके टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 55,000 एक साथ दिखा देते हैं। तुम ये मत समझना यहां भी चार है, यहां भी चार है। बेटा यहां पे मान लो 40 लोग हैं, तो अब 40 लोगों की एंट्री मैं यहां नहीं बनाऊंगा, उसकी जगह एक अलग से बुक बना लूंगा। क्योंकि जनरल एंट्री में तो सेल की, परचेज की सारी एंट्रीज एक साथ आ जाती है, लेकिन जब परचेज बुक बना लेते हैं तो उस बुक में खाली और खाली परचेज की सारी एंट्रीज एक जगह पे होती है। यहां पे तो हो सकता है बीच में कोई और भी एंट्री आए। दोनों में बैलेंस को क्या कहते हैं? परचेज अकाउंट का ही बैलेंस होता है, वो टोटल परचेज मानी जाती है, ठीक है। अब ये परचेज अकाउंट मैंने बना लिया, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, जब जनरल एंट्री करते हैं तब परचेज अकाउंट बनता है, जब सब्सिडरी बुक बनाते हैं तब भी परचेज अकाउंट बनता है। मतलब लेजर तो अपने ही काम से चलती है, फर्क आ जाता है बटिंडा। जरूरी है, जरूरी है क्या इसका बैलेंस इन फिगर अभी निकालना? तुमसे पूछा है कि ट्रायल बैलेंस बनानी है, इसका बैलेंस इन फिगर निकाल के बताओ। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जर्नल और सब्सिडरी बुक दोनों एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। जर्नल बना लो तो सब्सिडरी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, और सब्सिडरी बुक बना लो तो जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जर्नल बनाने के बाद भी परचेज अकाउंट बनता है, और सब्सिडरी बुक बनाने के बाद भी परचेज अकाउंट बनता है। ऐसे ही जब यहां पे तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, अब देखो सुनो, जब यहां पे तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाता है तो मैं जो एंट्री बना रहा हूं, ये एंट्री ना बना करके मैं सीधी क्या बना सकता हूं? इसकी एक सब्सिडरी बुक बना सकता हूं। बोलो समझे क्या? मतलब मैं इस रफ काम की, ये तो तुमसे पूछ ही नहीं रहा, ये कहता है ये तो मैं कर लूंगा, नॉर्मल एंट्री मेरे को आती है, इस रफ काम का भी बिजनेस बड़ा हो जाए तो ये रफ काम भी जर्नल में ना करके सब्सिडरी बुक में किया जा सकता है। बोलो हां या ना, बोलो समझ में आया क्या? तुम ये मत बोलना सर आपने जर्नल बनाई थी पहले तो, और अब आपने आ गया समझ। तो आज इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न डे बुक बनाओ, सेल और रिटर्न डे बुक बनाना है, जर्नल मत बनाओ भैया, सेल और रिटर्न डे बुक बना लो, वो जर्नल का ही काम करेगी। अच्छा एक बात बताओ, सेल और रिटर्न डे बुक, सॉरी जर्नल से क्या सेल और रिटर्न का अकाउंट बनेगा? बनेगा सर। क्या कस्टमर का अकाउंट बनेगा? हां सर बनेगा। तो सेल और रिटर्न डे बुक से भी क्या बनेगा? सर सेल और रिटर्न डे बुक से भी कस्टमर का अकाउंट बनेगा, जर्नल भी बनेगी, सॉरी सेल और रिटर्न का भी अकाउंट बनेगा और कस्टमर का अकाउंट भी बनेगा। जर्नल से भी दो लेजर पोस्टिंग होगी तो डे बुक से भी दो ही लेजर पोस्टिंग होगी। बस फर्क क्या होगा? जर्नल से सबके बार बार में नाम लिखे जाते थे, डे बुक में सारा काम एक साथ दिखा दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो समझे क्या? अब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाऊं, अब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाऊं। चलो हम हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कह रहा है
कि आपको सेल और रिटर्न डे बुक बनानी है। कैसे बनाएंगे? ये लो, अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले, वेरी गुड, सबसे पहले सेल और रिटर्न डे बुक बनानी सीखते हैं। एक कॉलम बनाते हैं डेट का, जिस दिन हमने माल भेजा। कोई फॉर्मेट नहीं है इसका, तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। उसके बाद में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, जो माल अप्रूवल पे भेजा। यहां पे तुम लेजर फोलियो का कॉलम बना सकते हो, कितने रुपए का माल भेजा ये देख लो, ठीक है। उसके बाद में यहां पे अप्रूवल की डेट लिख लो, जो अप्रूवल की डेट है, कितना अप्रूव्ड हो गया ये लिख लो। इससे पहले जो लेजर डे बुक बनानी सिखाई थी ना, कितना रिटर्न आ गया ये लिख लो, और कितना बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब तुम अपने सिस्टम से कोई भी इस तरह कॉलम बना सकते हो। सबसे पहले डेट, सबसे पहले डेट, ठीक है। उसके बाद में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, सेल और रिटर्न डे बुक। तीसरे मेथड में मैंने तुम्हें समझाया एंट्री से, लेकिन काम मैं अब सब्सिडरी बुक से कर रहा हूं। उसके उन्हें कितने रुपए का माल भेजा, अप्रूवल की डेट, क्योंकि वो 15 दिन बाद में बोला है उसने। उसके बाद में कितना अप्रूव्ड हो गया, जो अप्रूव्ड हो गया वो सेल हो गया। कितना रिटर्न हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में सेल भी कर सकता हूं, और कितना बैलेंस बच गया, ठीक है। इसके हमें फायदे होंगे। सबसे पहले डेट, किस किस डेट को है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 तारीख को एबीसी कंपनी ने 10,000 का माल हमने अप्रूवल पे भेजा, तो सबसे पहले 10 तारीख को, सुनना बात ध्यान से, 10 तारीख को कितना माल अप्रूवल पे भेजा, 10-12 दिसंबर दे रखा है, लेकिन डेट कौन सी है, 2016 है ना, 2016। एबीसी कंपनी को माल अप्रूवल पे भेजा, तो एबीसी कंपनी का नाम लिख दो, कितने रुपए का माल, 10,000 का। अप्रूवल की डेट 25 दिसंबर हो गई, 15 दिन बाद, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो गुड्स अप्रूव्ड हो गया 10,000 का पूरा, ना कोई रिटर्न आया ना कोई बैलेंस बचा, राइट। उसके बाद देखो, 12 तारीख को 15,000 का माल रिटर्न, मतलब अप्रूवल पे भेजा, और 16 तारीख को वो रिटर्न होके आ गया, ठीक है। तो अब 12 तारीख को तुमने कितना माल, कौन सी कंपनी है, DEF कंपनी है, आपने इसको कितने रुपए का माल अप्रूवल पे भेजा, 15,000 का। अप्रूवल की डेट 12 में 15 जोड़ो, 27 दिसंबर होती है, लेकिन ना कोई अप्रूव्ड हुआ, और 15,000 का माल वापस रिटर्न आ गया, बैलेंस कुछ नहीं बचा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है? और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ये 27 तारीख की डेट मत लिखो, वो तो 16 को ही ट्रांजेक्शन खत्म हो गया था। कितने का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ था, 16 दिसंबर को ही उसने, अप्रूवल की डेट तो बहुत दूर की है, करेंगे प्रयागराज करेंगे, रुको बता रहा हूं मैं। 12 तारीख के बाद क्या हुआ, अब सुनना, 12 के बाद में 15 तारीख को तुमने माल भेजा 12,000 का, 15 तारीख को माल भेजा तुमने 12,000 का, ठीक है। किसको भेजा, कंपनी का नाम है GHI कंपनी। कितना माल था सर, 12,000 का माल था, 2,000 का रिटर्न आ गया, तो बाकी 10,000 अप्रूव्ड मान लिया जाएगा कि हाँ वो सेल हमारी हो चुकी है। 12,000 का माल था, 20 तारीख को जो है वो 10,000 का तो अप्रूव्ड हो गया, और 2,000 का माल रिटर्न आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बता रखा है, सुनना बात ध्यान से। नेक्स्ट, 20 तारीख को तुमने 16,000 का माल भेजा, 20 तारीख को तुमने, कंपनी का नाम क्या है, एबीसी कंपनी है, एबीसी है ना, नहीं डीईएफ कंपनी है, डीईएफ कंपनी है, 16,000 का माल भेजा, और 24 दिसंबर को 16,000 पूरा अप्रूव्ड हो गया, उसने रख लिया, मतलब माल बिक गया, और अब इसमें से कोई भी माल वापस नहीं आया।
अरे पटना वो अप्रूवल डेट है, उसमें अप्रूवल डेट की जगह अगर पहले ही सारा हिसाब हो गया तो मैं वो लिख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं क्या करूं, 20 के बाद 25 तारीख को मैंने 11,000 का माल भेजा था एबीसी कंपनी को, 25 तारीख को एबीसी कंपनी को 11,000 का माल भेजा, उसने क्या किया 28 तारीख को अप्रूव्ड कर दिया, 11,000 की सेल हो गई है भैया, और ना कोई रिटर्न है ना कोई वो है। 25 के बाद 30 तारीख को जीएचआई कंपनी, 30 तारीख को जीएचआई कंपनी उसको कितना माल भेजा, 13,000 का माल भेजा था, और उसने क्या कर दिया, उसने 15 दिन का टाइम लिया, और 15 दिन का टाइम कब होता है सर, वो तो 15 तारीख हो जाती है, 15/1/2017, और 15/1/2017 तो सर बहुत बाद में आएगी, तो इसका मतलब इस दिन वो जो है वो अप्रूव्ड नहीं हुआ ना ही रिटर्न हुआ, और वो 13,000 बैलेंस में पड़ा है, वो हमारे बैलेंस स्टॉक के अंदर पड़ा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या आज तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल लगाते हैं, टोटल कितने रुपए का माल हमने भेजा सर, 15,000 का माल एक भेजा, 10,000 का माल एक भेजा, 12,000 का माल एक भेजा, 16,000 का माल एक भेजा, 11,000 का माल एक भेजा, और 13,000 का माल एक भेजा, टोटल 77,000 का माल भेजा, उसमें से अप्रूव्ड कितना हो गया 10,000, 16,000 और 11,000, 47 का अप्रूव्ड हो गया, अच्छा 15,000 और 2,000, 17,000 का रिटर्न हो गया, और 13,000 का बैलेंस में रह गया, 47 प्लस 13 और 17, 77, ठीक है। लो मैंने क्या किया, मैंने जो जर्नल बनानी थी ना, मैंने जर्नल का काम खत्म कर दिया सर, इतनी सारी एंट्रीज की पहले जर्नल बनाओगे फिर लेजर बनाओगे ना, आप एक काम करो ये हिसाब सारा एक डे बुक में रख लो, मेरा काम आसान हो गया ना, तो बिजनेस का क्राइटेरिया बड़ा हो गया। दूसरा क्या, जर्नल में क्या होता है, बार बार में एंट्री बनाओ, देखो जैसे अगर इसकी एंट्री बनाता हूं ना, देखो बार बार में ये एंट्री बनाओ, फिर जो अप्रूव्ड हो तो उसको कैंसिल करो, तो बड़ा ही काम करना पड़ता है, पहले भेजने की अप्रूवल की एंट्री, फिर उसको कैंसिल करने की, सेल हुई तो भी उसको कैंसिल करने की, फिर ओरिजिनल बुक में एंट्री करना, एक ट्रांजेक्शन की चार एंट्री है, तो ऐसे कितने ट्रांजेक्शन है यहां पे, देखो यहां पे तो सर देखो ट्रांजेक्शन के नाम पे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रांजेक्शन है, 6 ट्रांजेक्शन मतलब 24 एंट्रीज बनानी पड़ेगी सर, 24 एंट्रीज कौन बनाएगा, और बार बार में बनानी पड़ेगी, इससे बढ़िया है आप एक सब्सिडरी बुक बना लो, तुम्हें इस बुक का हाँ वो स्टॉक विद कस्टमर में जाएगा प्रयागराज, बिल्कुल 13,000 उसी में जाएगा। ये तुम्हें सब्सिडरी बुक समझ में आ गई क्या, मेरा बनाने का पर्पस तुम्हें समझ में आ गया क्या, और दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। बात एक ही है, जर्नल भी बना सकते थे लेकिन हमने नहीं बनाई, क्योंकि बिजनेस का क्राइटेरिया बड़ा हो जाता है तो सेल और रिटर्न डे बुक बना ली जाती है। बोलो प्रयागराज क्लियर है, वेरी गुड। अब जर्नल का काम हो गया, अब मैं क्या बनाऊं, लेजर, लेजर बनानी है मुझे, लेजर किस किस की बनाऊंगा मैं सर, लेजर में मेरे को चाहिए, एक तो चाहिए सेल और रिटर्न अकाउंट, लो सेल और रिटर्न अकाउंट, ठीक है, लो मैं सेल और रिटर्न अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है, सेल और रिटर्न अकाउंट, ये लीजिए, एक तो सेल और रिटर्न अकाउंट बना लिया, हां ये सेल और रिटर्न जर्नल का ही काम करती है। अच्छा अब कस्टमर के अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, तीन कस्टमर हो गए ABCDEFGHI, तो एक एबीसी कस्टमर का अकाउंट बना लूं, ये लो
एबीसी कस्टमर का अकाउंट बना लूं क्या? ये लो एबीसी का अकाउंट बना लिया, उसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं है डेट वेट की, ये लीजिए। उसके बाद में एक डीईएफ का अकाउंट बना लिया, ठीक है, और एक जीएचआई का अकाउंट बना लिया। कस्टमर के तो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने ही पड़ेंगे सर, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये लो सेल और रिटर्न अकाउंट, एबीसी कंपनी अकाउंट, डीईएफ कंपनी अकाउंट और एक जीएचआई कंपनी अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। लेजर पोस्टिंग करते हैं आप, अगर मान लो, अब मेरी बात का जवाब देना, अगर आप 77,000 का टोटल माल एक आदमी को अप्रूवल पे भेजते, ऐसे मान लो 77,000 का टोटल माल एक आदमी को अप्रूवल पे भेजते, बोलो क्या एंट्री बनाते? बोलो, अगर एक ही आदमी को 77,000 का माल अप्रूवल पे भेजते, क्या एंट्री बनाते? बोलो आगरा, अरे नालायक आगरा धनबाद, कहां हो तुम? एंट्री का जवाब दो मुझे, क्या पूछा है मैंने? अगर सारे कस्टमर को एक साथ, मान लो एक ही जगह पे सारा माल भेजते, क्या एंट्री बनाते? कस्टमर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स बनाते ना। अच्छा एक बात बताओ, सेल बनाते आगरा या सेल और रिटर्न बनाते बेटा? सेल बनाते आगरा या सेल और रिटर्न अकाउंट बनाते? अगर माल अप्रूवल पे भेजते इस कंडीशन में, हापुर, सेल और रिटर्न अप्रूवल पे भेज रहे हो, सेल और रिटर्न बनाते ना, वेरी गुड। तो मैंने जनरल की जगह लेजर बनानी, नियम तो वही है, जनरल की जगह लेजर बना ली तो क्या हो गया? सेल और रिटर्न एंट्री तो वही बनी है, सन्ड्री कस्टमर्स अकाउंट डीआर टू सेल और रिटर्न अकाउंट, और कितने रुपए से? सन्ड्री कस्टमर अकाउंट डीआर टू सेल और रिटर्न अकाउंट कितने रुपए? यहां पे लो, 31 दिसंबर को मैंने बाय सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न डे बुक, भाई अगर मैं माल भेजता तो एंट्री बनती कस्टमर अकाउंट डीआर टू सेल और रिटर्न अकाउंट। बहुत सारे कस्टमर की जगह मैंने एक साथ दिखा दिया बाय सन्ड्री 77,000, काम खत्म, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब इसी एंट्री को देख करके मुझे जवाब देना, कस्टमर से जब माल रिटर्न आता है, कस्टमर से जब माल रिटर्न आता है तो तुम क्या दिखाते हो? जब कस्टमर से माल रिटर्न आता है तो तुम क्या दिखाते हो? बोलो बोलो आगरा, जवाब दो, कस्टमर से माल रिटर्न आता है तो तुम क्या दिखाते हो? सर हम ये एंट्री बनाते हैं, सेल और रिटर्न अकाउंट डीआर टू कस्टमर, रिवर्स एंट्री, ठीक है। प्रयागराज एक बार फिर से बोल, टू कस्टमर ना, तो इसमें बाय कस्टमर कहां पे आएगा? तो बता सेल और रिटर्न अकाउंट में क्या दिखाएंगे? सेल और रिटर्न अकाउंट में क्या लेजर पोस्टिंग करोगे, ये जवाब दो मुझे, सेल और रिटर्न अकाउंट में क्या लेजर पोस्टिंग? टू कस्टमर धनबाद, कितने लोगों ने माल लौटाया है? सर हमें देखो, दो कस्टमर ने माल लौटाया ना यहां पे, ये देखो दो कस्टमर ने माल लौटाया, तो अब मैं दो कस्टमर के नाम थोड़ा ना लिखूंगा सर, तो मैं 31 दिसंबर को ये लिख दूं, टू रिटर्न बाय सन्ड्रीज, बहुत सारे कस्टमर्स हैं और 17,000 रुपए एक साथ दिखा दिए, तो सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना आसान हो गया ना, वरना तुम दो बार एंट्री बनाते फिर बार बार में दिखाते टू। अब कोई बच्चा कहता है सर आपने यहां पे 77,000 रुपीज का माल बेचा, हमें कैसे पता चलेगा किस किस को कितना कितना माल आपने अप्रूवल पे भेजा? आपने 77,000 का माल अप्रूवल पे भेजा, हमें क्या पता चलेगा किसको कितना माल अप्रूवल पे भेजा है? ये तो पता ही नहीं चल रहा हमें, तुम्हें पता क्यों करना है? अगर तुम्हें ज्यादा डिटेल चाहिए तो ये है ना, ये 77,000 की सारी डिटेल ये रही, देखो यहां जाके देख लेना किसको कितना कितना माल भेजा है अप्रूवल के ऊपर, टोटल 77 भेजा है। बोलो समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ या ना, एक बार कर्सर को स्क्रीन पे दीजिए, हां वो लिखना जरूरी है, ठीक है, वेरी गुड।
अब सुनना, ये वाला काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि दो एंट्री बना ली। अब जो माल बिका, देखो जो माल बिका उसकी तुमने बेचने की एंट्री बनाई ना, तो जब माल बिका, जो माल अप्रूवल पे मिला उसके तुमने देखो यहां पे एक सेल की एंट्री तो अपनी ओरिजिनल बुक में बना ली, लेकिन यहां पे भी तुमने कैंसिल किया ना, यहां पे भी जो माल बिक गया वो अब अप्रूवल पे नहीं रहा ना, तो उस अप्रूवल को तुमने कैंसिल किया, तो एंट्री क्या बनाई, सेल और रिटर्न अकाउंट डीआर टू कस्टमर। तुमने अगर इसको कैंसिल किया तो एंट्री क्या बनाई, सेल और रिटर्न अकाउंट डीआर टू कस्टमर। क्या ये एंट्री बनाई, क्या बनाई ना? हां सर बनाई, तो तुम भी बना लो 31 तारीख को टू कस्टमर या टू सन्ड्री कस्टमर्स। कितना सर, कितना माल हमारा बिक गया, 47,000 का। सर ये माल बिक गया तो इसकी हमने एंट्री बना ली बेचने की। अब अगर तुम हिसाब देखो ना, देखा जाए तो तुमने 77,000 का माल अप्रूवल पे भेजा, सर 17,000 का माल तो हमारा बिक गया और 47 का हमारा अप्रूव्ड, मतलब 17,000 का रिटर्न आ गया, 47 का अप्रूव्ड हो गया। और सर जो माल हमारा नहीं बिका वो हमारे अप्रूवल के बैलेंस में पड़ा है, वो जो बैलेंस चल रहा है ये देखो, ये 13,000, ये 13,000 हमारे बैलेंस में पड़ा है। सर ये बैलेंस यहां पे निकाल दो और अकाउंट को टैली कर दो। ये लीजिए 77,000 का अकाउंट मैच हो गया और इधर भी 77,000 का अकाउंट मैच हो गया। बोलो ये समझ में आया क्या, बोलो ये समझ में आया, सेल और रिटर्न अकाउंट सबको बनाना आ गया। मतलब जब बिजनेस बड़ा होता है तो पहले तो जनरल बनानी सीखनी है, और अगर जनरल में भी सीखना हो तो उसके बाद लेजर का कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना है। चलिए यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ सर क्लियर है। अब देखो ऐसे ही अगर मैं अब एबीसी कंपनी का अकाउंट बनाता हूं, कोई नहीं बोलेगा, खाली और खाली धनबाद सेंटर बोलेगा। धनबाद बेटा ये बताओ, अगर तुम एबीसी कंपनी को माल भेजते अप्रूवल पे, खाली खाली एबीसी कंपनी को माल भेजते तो तुम क्या एंट्री बनाते? धनबाद बेटा जवाब दो मुझे, अगर तुम खाली एबीसी कंपनी को माल अप्रूवल पे भेजते क्या एंट्री बनाते? तुम ये एंट्री बनाते क्या, एबीसी कंपनी अकाउंट डीआर टू सेल और रिटर्न अकाउंट। कितना माल भेजा एबीसी कंपनी को सर, ये देख दो बस एक बार, एबीसी कंपनी को 10 और 11, 21 का माल अप्रूवल पे भेजा क्या? हां सर, तो हम ये 21,000 से ये एंट्री बना देते, ठीक है। अच्छा ऐसे कैसे, अगर तुमने डीईएफ कंपनी को माल भेजा तो उसकी भी ये एंट्री बनाते, डीईएफ कंपनी अकाउंट डीआर टू सेल और रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए, 15 और 16, 31 ना। अच्छा जीएचआई कंपनी को माल भेजते हैं तो जीएचआई कंपनी अकाउंट डीआर टू सेल्स और रिटर्न, कितना जीएचआई का, 13 और 12, 25। अगर तुम जनरल बनाते तो यही काम करते क्या, बोलो? हाँ 31 प्लस 25, यही करते ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रयागराज आपने, एबीसी कंपनी में दिखा दो टू सेल और रिटर्न अकाउंट 21,000। अब तुम बोलोगे सर क्या, मैंने कहा था ना परचेज बुक और परचेज अकाउंट, जर्नल में भी परचेज अकाउंट वही बनता है और सब्सिडी बुक में परचेज अकाउंट को तो मिक्स कर सकते हो, लेकिन ये तो तीन अलग अलग अकाउंट है ना, एबीसी डीएफ, इनका तो अलग अलग हिसाब रखना पड़ेगा। अच्छा धनबाद एक बात बताओ, धनबाद क्या मैंने ये काम किया है, क्या मैंने ये काम वास्तव में किया है? नहीं सर, इसका मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है कि जब बिजनेस बड़ा हो तो ये मत करो। इसका मतलब भी वही है,
सर ये काम करने का मतलब भी वही है, आपको यहां से पता चल रहा है कि देखिए एबीसी कंपनी को कितना माल भेजा, एबीसी का पता चल रहा है, ठीक है। एबीसी को कितना माल भेजा पता चल रहा है। अच्छा एबीसी यहां पे भी है, देखिए सर यहां भी पता चल रहा है। अच्छा डीईएफ का देखना हो, देखो सर ये रहा डीईएफ और ये रहा डीईएफ, इन दोनों का भी पता चल रहा है। अच्छा सर जीएचआई का यहां पता चल रहा, जीएचआई का यहां पता चल रहा। सर हमने यहां से जोड़ लिया इनको, ये एबीसी और ये एबीसी सर जुड़ गया, ये देखो समझे, ये डीईएफ और ये डीएफ जुड़ गया और ये जीएचआई और ये जीएचआई जुड़ गया, बस सर बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेरी गुड, तो हमने इसकी लेजर पोस्टिंग कर दी। एबीसी कंपनी अकाउंट डीआर टू सेल और रिटर्न अकाउंट 21,000, डीईएफ कंपनी अकाउंट डीआर टू सेल और रिटर्न अकाउंट कितना 31,000 और जीएचआई कंपनी अकाउंट डीआर टू सेल और रिटर्न अकाउंट 25,000, ठीक है। ये एंट्रीज तो हुई है हमारी रफ बुक में। अच्छा ओरिजिनल बुक में एंट्री पूछ ले तो सर ओरिजिनल बुक में तो ये दो एंट्री बनानी है, एक कस्टमर टू सेल्स की और एक स्टॉक विद कस्टमर की। अच्छा कैसे करेंगे प्रयागराज, तीन अलग अलग अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करनी है ना बेटा, यहां पे तो क्या इन सबको मिलाकर के एक ही बात है, यहां तो तीन अलग अलग है ना। यहां तो देखो जीएचआई अलग कंपनी है तो इसका हिसाब तो अलग रखेंगे ना, डीएफ का हिसाब तो अलग रखेंगे, एबीसी का हिसाब अलग रखेंगे। यहां तो ये सारे मिला के सेल और रिटर्न थे इसलिए एक ही जगह कर लिया, इनका तो चलता है लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट को तो अलग अलग हिसाब रखना पड़ेगा ना, समझे बोलो। अच्छा हां वो अलग बात है, एबीसी में एबीसी का टोटल ठीक है। हां अब एक बात और बताओ, जब एबीसी का माल अप्रूव्ड हुआ, कितने का माल अप्रूव्ड हुआ, अब ये भी आगे है अभी खत्म नहीं हुआ है, एबीसी का 10,000 का माल अप्रूव्ड हुआ तो अप्रूवल की एंट्री आपने कैंसिल करी होगी। हां सर, बाय सेल और रिटर्न अप्रूवल एंट्री कैंसिल करी होगी क्योंकि एबीसी का तो कोई हिसाब ही नहीं रहा था ना। एबीसी का देखो 11 अप्रूव्ड 10 अप्रूव्ड पूरा अप्रूव्ड हो गया तो एबीसी का कोई हिसाब नहीं रहा सर, 21,000 वापिस भी तो कैंसिल की एंट्री कर दी होगी, एबीसी अकाउंट खत्म, ठीक है। अब डीएफ को देखो, डीएफ का कितना माल अप्रूव हुआ, डीएफ का सर 15 रिटर्न और डीएफ का 16 अप्रूव्ड, तो सर 15 रिटर्न हुआ तो रिटर्न की भी क्या एंट्री बनी होगी, सर रिटर्न की भी वही एंट्री बनी होगी, बाय सेल और रिटर्न, बाय सेल और रिटर्न कितना 15 तो अप्रूव्ड रिटर्न आ गया और 16 अप्रूव्ड हो गया तो डीई का भी हिसाब हो गया और ये भी 31,000 से मैच हो गया। लेकिन सर ये जो है ना जीएचआई ने क्या किया सर, 2000 का रिटर्न कर दिया, 10 का अप्रूव्ड कर दिया, 12 का तो हिसाब कर दिया, बाय सेल और रिटर्न 12,000 का हिसाब तो हो गया सर उसका, या तो सेल हो गया रिटर्न, लेकिन 13,000 का माल अभी भी उसके पास पड़ा है। सर जितना कस्टमर का बैलेंस होएगा ना, जितना कस्टमर के पास बैलेंस होएगा उतना का उतना बैलेंस हमारे यहां होएगा तो क्वेश्चन सही है, वरना हमने क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला कर रखा है। बोलो समझ में आया क्या तीसरा मेथड, ये सबसे लास्ट मेथड था, मैंने आज आपको जो पढ़ाया है ना ये आपके एक हाई लेवल के ज्ञान की बातें हैं। 100 बच्चे अगर सीए फाउंडेशन करते हैं 98% स्टूडेंट्स को सेल और रिटर्न का खाली पहला मेथड आता है, सेकंड और थर्ड मेथड का असली ज्ञान ही नहीं होता है उन्हें, ना वो पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में ये पेपर में जब आ जाए तो तोते उड़ जाते हैं, और एग्जाम में आए चाहे ना आए बेटा चीजों को नॉलेज के लिए पढ़ो, रटो मत, तुम्हारे इंटर लेवल में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब वहां पे जाकर के पढ़ते तो कहते अरे देवा रे देवा अटक के बैठ गए, अब क्या करें, करना कुछ नहीं है बेटा, वापिस जाके पढ़ो।
लास्ट लेजर में शो कर दूंगा, और अगर ये पेपर में आ जाए ये थर्ड क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आपके पेपर का ये टर्निंग लेवल, टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, जहां से बच्चा टर्न होएगा कि अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। और डरो मत, मैं तुम्हारे सिलेबस का कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बेटा ये प्रोफेशनल स्टडीज है, यहां पे फिक्स पैटर्न नहीं है। आईसीआई का एक ट्रेंड है कि आईसीआई का कोई ट्रेंड नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब आप लोगों को अगर नोट करना हो तो मैं आप लोगों को आंसर्स की पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? और अभी समय ज्यादा हो चुका है, अभी हम हमारी क्लास को ओवर करते हैं। अगर नोट करना होगा तो मैं आपको कल की क्लास में ये पूरा वापिस शो कर दूंगा, ठीक है बच्चों? अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय, हैव ए ग्रेट डे। हाँ प्रयागराज, अगली क्लास में आप ले लेना, मैं शो कर दूंगा वापिस, आप मुझे बस याद दिलवा दीजिएगा। क्या लक्ष्मी नगर, क्या रहे, लास्ट रह गया, ये ले लास्ट, देख ले लक्ष्मी नगर देख लो लास्ट, अगर किसी का रह रहा है तो वो देख सकता है। बाकी अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन घर से कीजिएगा। आप लोगों की बुक्स यहां से निकल चुकी है, एज सून एज पॉसिबल आप तक पहुंच जाएगी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय, हैव ए ग्रेट डे।